हेलो व्हाट्सअप गाइड्स। आज की वीडियो में हम एक पोर्टफोलियो वेबसाइट को डिजाइन करेंगे विद रिस्पॉन्सिवनेस, ओके, यूजिंग सिंपल HTML, CSS एंड JavaScript। सो ये हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट है। लेट्स रिफ्रेश दिस वंस। ओके, तो यहाँ पे हमने एक टॉगल बटन यूज किया है जिसके थ्रू हम अपने वेबसाइट को डार्क और लाइट मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज योर नेव बार। व्हेन यू क्लिक ऑन अबाउट, सो यू कैन सी दिस इज अबाउट मी पेज, राइट। क्लिक ऑन सर्विसेज, तो ये आपकी सर्विसेज में ऑप्शन है। देन क्लिक ऑन पोर्टफोलियो, सो यू कैन सी द डिजाइन। देन कॉन्टैक्ट, ओके, इसके ऊपर आपका टेस्टिमोनियल सेक्शन भी है जहां पे आप अपने क्लाइंट्स को भी राइट कर सकते हो कि आपके जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने आपके बारे में लिखा है। देन दिस इज अ फुटर सेक्शन। ओके, सो आज की वीडियो में हम इस पोर्टफोलियो वेबसाइट को डिजाइन करेंगे यूजिंग सिंपल सिंपल HTML, CSS एंड JavaScript। सो इसका हम कोडिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पे मैंने सिंपल HTML फाइल क्रिएट की है। देन दिस इज माई JavaScript फाइल एंड दिस इज माई CSS फाइल। ओके, तो सबसे पहले हम इसका लेआउट स्टार्ट करते हैं, देन वी विल कन्वर्ट इट। ओके, सो ये हमारे CSS फोल्डर के अंदर हमारी CSS फाइल है, इमेज फोल्डर के अंदर हमारी सारी इमेजेस हैं, एंड दिस इज माई JavaScript, JavaScript फोल्डर के अंदर हमारी JavaScript फाइल है, एंड दिस इज माई index.html फाइल। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना नेव बार क्रिएट करेंगे। सो नेव बार को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं हेडर। ओके, एंड इसका जो क्लास नेम है उसको मैं मेंशन कर देती हूँ, लेट्स से हेडर। ओके, तो इसके अंदर हम हेडर का पार्ट लिखेंगे जो हमारा नेव बार का पार्ट है। इसके बाद हमारा जो कौन सा सेक्शन है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, सो सबसे पहले आपका नेव बार है, देन इसके बाद आपका होम सेक्शन है। ओके, सो होम सेक्शन के लिए यहाँ पे हम एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं होम सेक्शन के लिए। सो हियर आई विल राइट सेक्शन। ओके, सो इसकी क्लास को मैं मेंशन कर देती हूँ, दिस इज माई होम सेक्शन। ओके, और इसकी आईडी को भी मैं रख लेती हूँ होम। ठीक है, इस होम सेक्शन के अंदर हम क्या राइट करेंगे, अपना होम वाला पार्ट। ठीक है, देन इसके बाद हम एक सेक्शन और क्रिएट कर लेते हैं, और उस सेक्शन के अंदर हम क्या राइट करेंगे, हमारा अबाउट मी का पार्ट। ओके, सो इसकी क्लास को मैं मेंशन कर देती हूँ, लेट्स से अबाउट। ओके, और इसकी आईडी को मैं रख लेती हूँ अबाउट। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर हम अपना अबाउट का पार्ट राइट करेंगे। ठीक है, जो हमारा अबाउट मी का जो लेआउट है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा सर्विसेज का पार्ट है उसको राइट करेंगे। सो उसके लिए भी यहाँ पे हम एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ओके, एंड इसकी क्लास को मैं मेंशन कर देती हूँ सर्विसेज। ओके, देन इसकी जो आईडी है उसको भी मैं क्या राइट कर लेती हूँ, सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज सेक्शन के अंदर हम अपना सर्विसेज का पार्ट राइट करेंगे। देन ये हमारा पोर्टफोलियो है। ओके, सो यहाँ पे भी हम एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, और इसी क्लास को मैं मेंशन कर देती हूँ पोर्टफोलियो, जिसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट्स आएंगे। ओके, देन इसकी जो आईडी है उसको भी मैं मेंशन कर देती हूँ, लेट्स से दिस इज माय पोर्टफोलियो। ओके, इस सेक्शन के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट्स को राइट करेंगे। देन टेस्टिमोनियल सेक्शन। ओके, तो टेस्टिमोनियल सेक्शन के लिए यहाँ पे हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, और इसकी क्लास को हम मेंशन कर देंगे, दिस इज माय टेस्टिमोनियल कंटेनर। टेस्टिमोनियल कंटेनर, ओके, तो यहाँ पे हम अपना टेस्टिमोनियल का पार्ट राइट करेंगे। देन इसके बाद हमारा कॉन्टेक्ट का सेक्शन है, सो हियर आई विल राइट सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम इसकी क्लास को मेंशन कर देते हैं, दिस इज माय कॉन्टेक्ट, राइट, और इसकी आईडी को हम मेंशन कर देते हैं कॉन्टेक्ट। ओके, सो कॉन्टेक्ट के बाद यहाँ पे हमारा फुटर सेक्शन है, तो उसके लिए भी हम एक फुटर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी क्लास को मेंशन कर देंगे, दिस इज माय फुटर, और यहाँ पे हम अपना फुटर का पार्ट राइट करेंगे। सो आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन क्रिएट किए जिसके अंदर हम अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के लेआउट को राइट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइट करते हैं अपना हेडर पार्ट,
और हेडर पार्ट के अंदर हम क्या राइट करेंगे, हमारा नैव बार। ओके सो आप देख सकते हो जो आपका नैव बार है उसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आपका लोगो है, दैट इज पोर्टफोलियो। ओके दिस इज योर लोगो पोर्टफोलियो। देन हेयर यू हैव अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, लिस्ट ऑफ मेन्यू आइकन्स, मेन्यू आइटम्स दैट इज होम, अबाउट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट। ओके और यहाँ पे आपका क्या है एक दैट इज आइकन हेयर, सो दैट यू कैन चेंज इट्स बैकग्राउंड इन डार्क एंड लाइट मोड, एंड देयर इज अ मेन्यू आइकन ऑल्सो। ठीक है तो यहाँ पे हम हेडर पार्ट के अंदर ये सब चीजें मैंशन करेंगे। सो हेयर आई विल राइट एन एंकर टैग। ओके और इस एंकर टैग के अंदर हम राइट करेंगे अपना लोगो। ठीक है तो लोगो का नया नेम क्या है हमारा, पोर्टफोलियो। तो ये हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट है। सो हेयर आई विल राइट पोर्टफोलियो और इसकी क्लास को मैंशन कर देंगे दिस इज माई लोगो। ओके सो हेयर आई विल राइट लोगो। देन हम क्या करेंगे अपना नैव बार क्रिएट करेंगे। सो हेयर आई विल क्रिएट अ नैव बार। ठीक है तो इसकी क्लास को मेंशन कर देते हैं, लेट्स से दिस इज माय नैव बार। और इसके अंदर हम राइट करेंगे एंकर टैग। ओके एंड हेयर आई विल राइट होम। ओके देन हम इसके बाद हम क्या राइट करेंगे अबाउट अ सेक्शन। सो हेयर आई विल राइट अबाउट। देन यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं अबाउट। ओके सो सिमिलरली हम एंकर टैग क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सर्विसेज। सो हेयर आई विल राइट सर्विसेज। ओके देन हम क्या राइट करेंगे हमारा पोर्टफोलियो। सो पोर्टफोलियो। ओके देन माई लास्ट मेन्यू आइकन्स इज, माई लास्ट मेन्यू आइटम्स इज कॉन्टैक्ट। सो हेयर आई विल राइट कॉन्टैक्ट। ओके तो दिस पार्ट इज कम्प्लीट। अब हम अपने नैव बार से बाहर आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहली चीज क्या कि जो आपका मेन्यू आइटम्स है इसके अंदर आपका जो होम है वो एक्टिव है। तो हम अपने होम को एक्टिव कर लेंगे। सो इसकी क्लास को मैं मेंशन कर देती हूँ, लेट्स से दिस इज एक्टिव। ओके सो इनिशियली हमारा जो होम आइटम है वो हमारा एक्टिव होगा। ओके इसके बाद हमें क्या करनी है, हमें यहाँ पे टू आइकन्स चाहिए। एक हमारा टॉगल बटन जिसके थ्रू हम अपने जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है उसको डार्क और लाइट मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरा हमारा मेन्यू आइकन्स। ठीक है तो यहाँ पे हम आइकन्स के लिए राइट कर लेते हैं बॉक्स आइकन्स सीडीएन। तो यहाँ से हमें सबसे पहले अपना सीडीएन लिंक्स को पेस्ट करना है। सो लेट्स सी ओके तो यहाँ से हमारा जो सीडीएन लिंक है वो मिल जाएगा। यहाँ से आप कॉपी करोगे, देन जो आपका बॉडी टैग है उसके लास्ट में आपको क्या करना है, इसको पेस्ट करना है। ओके सो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है देन हमें क्या करना है, यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं हम इसके आइकन्स को। तो आइकन्स को हम इंपोर्ट कैसे करेंगे, सो ये जो वेबसाइट है डेट इज ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बॉक्स आइकन्स, यहाँ से हम क्या करेंगे इंपोर्ट कर लेंगे हमारे आइकन्स को। तो सबसे पहले मुझे मून का आइकन चाहिए, तो यहाँ से मैं राइट कर लेती हूँ मून। ओके सो यहाँ पे हमारी एक चीज मेंशन है इसके अंदर। ठीक है तो यहाँ पे हमें मून का आइकन चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। ओके सो हेयर आई विल क्रिएट अ डिव हेयर, और इस डिव के अंदर हम क्या मेंशन करेंगे हमारा आइकन। ठीक है तो इसकी क्लास नेम को हम मेंशन कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आपकी एक चीज होगी डेट इज आई थिंक, यस दिस वन। ओके तो हमें क्या करना है, ये जो आइकन्स है इसका अपनी वेबसाइट में यूज करने के लिए हमें इस क्लास नेम को मेंशन करना है। ठीक है सो टू यूज एन आइकन ऑन योर पेज यू हैव टू ऐड दिस प्रीफिक्स डेट इज bx। ठीक है तो हमें क्लास को मेंशन करना है, तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे bx। ओके और हमें मून का आइकन चाहिए, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे मून। ओके और यहाँ पे हम इसकी आईडी को भी मेंशन कर देते हैं। सो हेयर आई विल राइट दिस इज माय डार्क मोड आइकन। ओके इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमारा मून का आइकन चाहिए, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, यहाँ पे हमें क्या चाहिए हमारा मून का आइकन। So, उसके लिए भी हम यहाँ पे क्या करेंगे एक div क्रिएट कर लेंगे, एंड हेयर आई विल राइट
इसका जो क्लास नेम है उसको मैं यहाँ पे राइट कर लूंगी, डेट इज बी एक्स एंड बी एक्स मैन्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमें हमारा मैन्यू का आइकन मिल जाएगा और इसकी आईडी को मैं मेंशन कर देती हूँ, डेट इज मैन्यू आइकन। ओके, अगर आपको ये आइकन चाहिए तो आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप इसको इम्पोर्ट कर सकते हो, जो आइकन है उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। राइट, यहाँ से मैं डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। ओके, तो आपको अगर आइकन चाहिए तो यहाँ से भी आप राइट ले सकते हो। ओके, इसके क्लास नेम को आप चेक कर सकते हो, डेट इज मून। ओके, देन इसके बाद आपको क्या करना है, बी एक्स के अंदर आपको मून ऐड करना है। ठीक है, तो जो आपका नेवबार पार्ट है वो आपका क्रिएट हो चुका है। राइट, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा होम पार्ट राइट करेंगे। सो दिस इज माय सेक्शन जिसके जिसकी क्लास नेम क्या है, होम। तो होम के अंदर आप चेक कर सकते हो, होम के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका एक होम कंटेंट है, सो इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ। सो दिस इज माय होम पेज। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका लेफ्ट साइड में आपका होम कंटेंट है, एंड साइड में आपका एक इमेज है। ठीक है, और आप इसके बैक साइड में आप देख सकते हो फोटोग्राफर देन वेब डिजाइनर। सो और यहाँ पे एक सर्कल में है। ठीक है, दिस इज इन सर्कल एंड वीडियोग्राफर के साथ साथ इसकी एक आइकन्स भी है। राइट, तो होम आइकन्स को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। सो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेयर आई विल क्रिएट अ डिव हेयर और यहाँ पे इसकी क्लास नेम को मेंशन कर देते हैं, लेट्स से दिस इज माय होम कंटेंट। ओके, सो होम कंटेंट के अंदर हम क्या मेंशन करेंगे, जो हमारा लेफ्ट में जो पार्ट है दिस वन। ओके, होम कंटेंट के अंदर हमारा ये पार्ट आएगा। सो इस डिव को मैं ओपन कर लेती हूँ और यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, दिस वन। ओके, देन मुझे एक डिव और क्रिएट करना है जिसके अंदर आपका क्या आएगा, प्रोफेशन कंटेनर। सो हेयर आई विल क्रिएट अ वन डिव हेयर। सो इसका क्लास नेम मैं मेंशन कर देती हूँ, दिस इज माई प्रोफेशन कंटेनर। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या चीजें मेंशन करेंगे कि जो हमारा पोर्टफोलियो है उसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें हैं, डेट इज वेब डेवलपर फोटोग्राफर, तो ये सब हमारा आपका किस में आएगा, प्रोफेशन कंटेनर में। ठीक है, देन हम एक डिव और क्रिएट करेंगे और उसके अंदर आपकी क्या चीजें आएंगी, डेट इज सर्कल। ठीक है, तो सर्कल को हम इसमें ही मेंशन कर देंगे जो आपका प्रोफेशनल कंटेनर है। देन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक ओवरले चाहिए इमेज का, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, डेट इज ओवरले। ओके, सो ये जो मेरा होम कंटेंट है इसके अंदर मैं राइट कर लेती हूँ जो मेरा लेफ्ट का पार्ट है। राइट, सो हेयर आई विल क्रिएट अ हेडिंग हेयर एंड हेयर आई विल राइट हेलो आई एम। ओके, सो उसके बाद हम क्या राइट करेंगे, दिस वन। तो यहाँ पे हम एच वन हेडिंग यूज करेंगे एंड हेयर आई विल राइट खुशबू तायर। ओके, सो यहाँ पे हमारी एक बॉय की इमेज है, तो यहाँ पे मैं इसका नेम चलो छोड़ो यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हम पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे और इस पैराग्राफ के अंदर हम राइट करेंगे दिस पार्ट। तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं, सो हियर आई विल राइट दिस वन। ओके, तो ये हमारा पैराग्राफ आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक पैराग्राफ और ऐड करना है, तो यहाँ पे हम पैराग्राफ टैग यूज करेंगे और इसके बाद जो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है इसको राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सोशल आइकन्स को ऐड करना है। सो उसके लिए हम यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेंगे और उसकी जो क्लास है उसको मैं राइट कर लेती हूँ, लेट्स से दिस इज सोशल मीडिया। ओके, यहाँ पे हम सोशल मीडिया आइकन्स को इंपोर्ट करेंगे, दैट इज फेसबुक ट्विटर इंस्टा एंड लिंक्डइन। ओके, सो हियर आई विल राइट एन एंकर टैग और इस एंकर टैग के अंदर हम क्या करेंगे, अपने आइकन्स को इंपोर्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, तो जो मेरे आइकन्स हैं उसका क्लास नेम मैं मेंशन कर देती हूँ, डेट इज बी एक्स फेसबुक। ओके, तो ये जो आइकन्स है वो आप यहाँ से भी इसको डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो, लेट्स से फेसबुक। या फेसबुक। ओके, तो यहाँ से आपका आइकन मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो जो आपकी क्लास नेम है उसका नेम क्या है, फेसबुक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट फेसबुक को राइट कर लिया और यहाँ पे एल हमने किस लिए यूज किया, बिकॉज दिस इज अ लोगो टाइप। ओके, सो सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम बाकी के आइकन्स जो यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें कौन कौन से आइकन चाहिए, द सेकंड इज ट्विटर, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं ट्विटर।
सो हेयर आई विल राइट ट्विटर. ओके देन हमें आइकन चाहिए हमारे इंस्टाग्राम का. सो हेयर आई विल राइट इंस्टाग्राम. देन हेयर आई विल राइट लिंक्डइन. ओके तो यहाँ पे हमारे सोशल मीडिया आइकन्स आ गए. ये हमारे होम कंटेंट हो गया. होम कंटेंट के अंदर हमारे सोशल मीडिया आइकन्स. देन इसके बाद हमें एक बटन चाहिए डेट इज डाउनलोड सीवी. सो हेयर आई विल क्रिएट एन एंकर टैग हेयर. ओके सो इसकी क्लास नेम को मैं मेंशन कर देती हूँ, लेट्स से बटन. ओके देन हेयर आई विल राइट डाउनलोड सीवी. ओके सो जो मेरा होम कंटेंट है वो कंप्लीट हो चुका है. इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने प्रोफेशन कंटेनर के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, दिस वन दिस पार्ट. ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी चार चीजें हैं. द फर्स्ट वन इज वीडियोग्राफर, वेब डेवलपर, ओके फोटोग्राफर एंड वेब डिजाइनर. ओके तो यहाँ पे हमें चार चीजों को मेंशन करना है, ठीक है. सो अब हम क्या करेंगे, अपने प्रोफेशन कंटेनर के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम राइट करते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हमें चार चीजें चाहिए, तो यहाँ पे हम फोर डिव क्रिएट करेंगे, ठीक है. फोर डिव क्रिएट करेंगे सभी के लिए. सो हेयर आई विल क्रिएट अ डिव दैट इज प्रोफेशन बॉक्स. ओके और इस प्रोफेशन बॉक्स के अंदर यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट कर लेती हूँ प्रोफेशन. ओके सो ये प्रोफेशन बॉक्स के अंदर हमारे क्या आएंगे, प्रोफेशन आएंगे सारे. तो यहाँ पे हमें फोर डिव क्रिएट करने हैं. ओके सो यहाँ पे हमने फोर डिव क्रिएट कर दिए हैं. तो फर्स्ट प्रोफेशन के अंदर हमारा वीडियोग्राफर, सेकंड के अंदर हमारा वेब डेवलपर, थर्ड के अंदर हमारा फोटोग्राफर और फोर्थ के अंदर हमारा वेब डिजाइनर, ठीक है. सो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमारे आइकन के साथ साथ हमें नेम, ठीक है. तो यहाँ पे हम आते हैं. सो हेयर आई विल राइट एन आइकन हेयर और इसकी क्लास को मैं मेंशन कर देती हूँ, लेट्स से बीएक्स. हमें कोड का आइकन चाहिए. ओके तो यहाँ से हमें हमारा कोड का आइकन मिल जाएगा. एंड हेयर आई विल यूज एन हेडिंग, हेडिंग टैग और इसके अंदर हम राइट कर लेते हैं वेब डेवलपर. ओके सो देन हम अपने सेकंड प्रोफेशन में आते हैं और यहाँ पे हम सिमिलरली क्या करेंगे, आइकन को इंपोर्ट करेंगे. और यहाँ पे हमारे जो सेकंड आइकन है वो हमारा कौन सा होगा, दैट इज कैमरा फॉर फोटोग्राफी. ओके सो हियर आई विल राइट फोटोग्राफर, ठीक है. तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट. देन हम अपने थर्ड प्रोफेशन के अंदर आते हैं और इसके अंदर हम मेंशन करते हैं अपना थर्ड आइकन, ठीक है. तो हमारा थर्ड आइकन कौन सा होगा, सो हियर आई विल राइट ठीक है. देन यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं हमारा प्रोफेशन दैट इज वेब डिजाइनर. ओके देन हम फोर्थ प्रोफेशन के अंदर आते हैं और आइकन को इंपोर्ट करते हैं. तो हमारा जो फोर्थ प्रोफेशन है वो कौन सा होने वाला है, दैट इज वीडियोग्राफर. ओके सो हेयर आई विल राइट वीडियो रिकॉर्डिंग. ओके देन हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं क्या, दैट इज वीडियोग्राफर. सो हेयर आई विल राइट वीडियो ग्राफर. ओके तो ये जो हमारा प्रोफेशन का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है. अभी हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल चाहिए ताकि हम इसकी पोजीशन को फिक्स कर सके. तो उसके लिए हम स्टाइल टैग यूज करेंगे. सो हेयर आई विल राइट अ स्टाइल टैग. तो यहाँ पे हमें सभी में स्टाइल टैग चाहिए, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं स्टाइल टैग. ओके सो हेयर आई विल राइट 0. ओके तो जो हमारा नेक्स्ट प्रोफेशन है इसके लिए हम 1 कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे 2 एंड हेयर आई विल राइट 3. ओके तो हमारा जो प्रोफेशन कंटेनर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है. देन हमें क्या करना है, जो हमारा प्रोफेशन कंटेनर है उसमें हमें एक सर्कल भी चाहिए. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिव और क्रिएट कर लेते हैं अपने प्रोफेशन के बाद फॉर सर्कल. तो उसी क्लास नेम को मेंशन कर देंगे सर्कल. सो हमारा जो प्रोफेशन कंटेनर है वो रेडी हो चुका है, ठीक है. देन हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें एक इमेज चाहिए. तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेते हैं. सो हेयर आई विल क्रिएट अ डिव दैट इज होम इमेज. ओके और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इमेज को लेके आएंगे.
तो जो हमारी इमेज है उसको मैं राइट कर लेती हूँ, इमेजेस, और इमेजेस के अंदर होम डॉट पी एन जी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, इमेज आ जाएगी। ओके ओके, सो हमारा जो होम पेज है वो हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया है, होम कंटेंट को क्रिएट किया है जिसके अंदर आपकी ये चीजें हैं, राइट। देन इसके बाद आपका प्रोफेशन है, प्रोफेशन के बाद यहाँ पे हमने फोर प्रोफेशन को क्रिएट किया है, एंड यहाँ पे हमें फोर प्रोफेशन के साथ साथ हमें सर्कल भी चाहिए, तो हमने प्रोफेशन बॉक्स के अंदर फाइव टिप क्रिएट किए हैं, फोर प्रोफेशन के लिए, एक फर्स्ट वन सर्कल के लिए। ठीक है, और इसके बाद हमें एक इमेज चाहिए, देन ये जो आपका ओवरले है जिसमें आपका क्या करना है, जो ये जो आपको जिगजैग शेप में आपको जो इमेज दिख रही है उसको एंटर करना है, तो यहाँ पे हम इसको अपने प्रोफेशन कंटेनर के अंदर ऐड कर लेते हैं। ओके, सो जो हमारा होम सेक्शन है वो रेडी हो चुका है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने अबाउट अस सेक्शन में आते हैं और इसका राइट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा अबाउट अस सेक्शन है इसमें आप देख सकते हो आपकी क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो आपकी इमेज है, ओके, दिस वन। सो इसको मैं जूम करवा के दिखा देती हूँ आपको। अबाउट मी सेक्शन में आपकी इमेज है, देन ये आपका कुछ हेडिंग है, देन पैराग्राफ और आपका बटन। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपके बटन है, डेट इज डाउनलोड सीवी, रीड मोर एंड दिस बटन। तो ये जो बटन है इनकी सीएसएस बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, इनका डिजाइनिंग पार्ट, तो इसकी क्लास को मैं सेम मेंशन करूंगी, राइट। तो ये हम अबाउट अस सेक्शन में आते हैं और सबसे पहले हम राइट करते हैं इसकी इमेज को। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक डिव क्रिएट करेंगे और उसकी क्लास को मैं मेंशन कर देती हूँ, दिस इज माय अबाउट इमेज। ठीक है, और यहाँ पे हम राइट करेंगे इसकी इमेज पार्ट, देन हियर आई विल राइट इमेजेस, और इमेजेस के अंदर आप क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, इमेजेस के अंदर आपकी क्या क्या चीजें आएंगी, दैट इज अबाउट, अबाउट अस इमेज। ओके, देन इमेज के बाद हमें क्या चाहिए, कंटेंट। सो हियर आई विल राइट एन H3 टैग, तो इसको हम एक डिव में क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे दिस इज माई अबाउट कंटेंट। ओके, अबाउट कंटेंट के अंदर हम राइट कर लेते हैं हेडिंग, सो हियर आई विल राइट अबाउट। और ये जो आपका मी है वो आपका डिफरेंट कलर में है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्पैन टैग यूज करेंगे। सो हियर आई विल राइट स्पैन एंड राइट मी। ठीक है, और इसकी मैं क्लास को मेंशन कर देती हूँ, दिस इज माय हेडिंग। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दिस वन। ओके, सो इसके लिए हम H3 टैग का यूज करेंगे, यहाँ पे H3 टैग, एंड हियर आई विल राइट दिस पार्ट। रेडी हो चुका है, देन इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपना पैराग्राफ ऐड करना है, तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं, एंड हियर आई विल राइट अ पैराग्राफ। ओके, सो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ आ जाएगा अबाउट कंटेंट के अंदर, और हमें एक पैराग्राफ और ऐड करना है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली इस पैराग्राफ को ऐड कर देते हैं। ओके, सो ये हमारा पैराग्राफ आ जाएगा, देन इसके बाद हमें क्या करना है, एक बटन ऐड करना है, और इसकी क्लास को मैं सेम रखूंगी, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, बिकॉज इसका जो डिजाइनिंग पार्ट है वो सेम है। सो हियर आई विल राइट बटन एंड दैट इज रीड मोर। ओके, सो आपका जो ये अबाउट का पोर्शन है वो अभी आपका कंप्लीट हो चुका है, दैट इज अबाउट सेक्शन। देन इसके बाद हम आते हैं अपने सर्विसेज पे। ओके, सो हियर दिस इज माय सर्विसेज, तो इसके अंदर आप देख सकते हो जो आपका सर्विसेज है, यहाँ पे आपकी तीन सर्विसेज मैंने मेंशन किए, दैट इज वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन एंड डिजिटल मार्केटिंग। ओके, सो सेम स्ट्रक्चर है बिल्कुल तीनों में, बट हमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है, द फर्स्ट वन इज लिंक, जो आपका आइकन है। ठीक है, आइकन आपको ऐड करना है, द सेकंड इज हेडिंग, देन पैराग्राफ, और उसके बाद बटन। ओके, आपके जो बाकी के डिव हैं उसमें भी आपकी सेम चीजें हैं। देन हम अपने सर्विसेज पार्ट पे आते हैं, सर्विसेज सेक्शन में, और अपना नेक्स्ट सेक्शन राइट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे, सो हियर आई विल राइट माई, और जब का सर्विसेज है वो आपका डिफरेंट कलर में है, तो यहाँ पे हम स्पैन टैग का यूज करेंगे, देन हियर आई विल राइट सर्विसेज। ओके, इसकी क्लास को हम मेंशन कर देंगे, दिस इज माई हेडिंग। ठीक है, देन हेडिंग के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, सर्विसेज कंटेंट को राइट करना है, सो इसकी क्लास को हम राइट कर लेते हैं, दिस इज माई सर्विसेज कंटेनर। ओके, सर्विसेज कंटेनर के अंदर अभी क्या क्या चीजें आएंगी, ये जो आपके तीन सर्विसेज है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं दिस इज माई सर्विसेज बॉक्स। ओके, तो यहाँ पे हम सिमिलरली थ्री सर्विस बॉक्स हम क्रिएट करेंगे। ओके, देन यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं फर्स्ट लिंक, सेकंड हमारा हेडिंग पैराग्राफ और उसके बाद हमारा बटन। ठीक है, आई फर्स्ट इन जो आपका फर्स्ट सर्विस बॉक्स है सबसे पहले हम राइट करेंगे हमारा आइकन। ठीक है, तो इसी क्लास को हम मेंशन कर देते हैं, हमें कोड का आइकन चाहिए तो यहाँ पे हम कोड का आइकन राइट कर लेंगे। ये जो आपके आइकन है वो डायरेक्टली आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आइकन ऐड हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे हेडिंग ऐड करेंगे, सो हियर आई विल राइट दैट इज वेब डेवलपमेंट। ओके, देन हेडिंग के बाद आपको पैराग्राफ ऐड करना है तो यहाँ से हम पैराग्राफ ऐड कर देंगे, सो एंकर टैग और इसकी क्लास नेम को हम मेंशन कर देते हैं दैट इज दिस इज अ बटन एंड हियर आई विल राइट रीड मोर। ओके, सो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन ये सिमिलर जो स्ट्रक्चर है वो हमें किसमें करना है, हमारे सेकंड सर्विसेज बॉक्स में। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जिसमें आपका बटन और पैराग्राफ सेम है, बस हमें आइकन और इसका हेडिंग चेंज करना है। सो हियर आई विल राइट, यहाँ पे हम वेब डेवलपमेंट की जगह हम क्या लिखेंगे डेट इज ग्राफिक डिजाइन। ओके, सो हियर आई विल राइट ग्राफिक डिजाइन। देन हमें इसका आइकन चेंज करना है, सो हियर आई विल राइट पेंट। ओके, देन हमें थर्ड सर्विसेज बॉक्स में आएंगे और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ओके, सो यहाँ पे हमारा डिजिटल मार्केटिंग आ जाएगा और हमें इसका आइकन चेंज करना है, तो यहाँ पे हम इसका आइकन चेंज कर देंगे दैट इज बार चार्ट। ओके, सो आपका सर्विसेज कंटेनर रेडी हो चुका है, आपका सर्विसेज पार्ट। देन हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं दैट इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो सेक्शन में हम डिजाइन करते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो ये जो आपका पोर्टफोलियो सेक्शन है इसके अंदर आपकी सिक्स इमेजेस हैं। ओके, सिक्स डिव है एंड हर एक इमेजेस पे जब हम होवर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी हेडिंग है, पैराग्राफ है और आपका एक आइकन है वो एक। ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो सेक्शन में आते हैं और इसका लेआउट रेडी करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आई विल राइट हेडिंग, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका हेडिंग राइट करेंगे। देन हियर आई विल राइट लेटेस्ट प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट आपका डिफरेंट कलर में, तो यहाँ पे हम स्पैन टैग यूज करेंगे उसके लिए एंड आई विल राइट प्रोजेक्ट। ओके, और इसकी क्लास नेम को हम मेंशन कर देते हैं दिस इज माय हेडिंग। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है हेडिंग का। देन यहाँ पे हमें क्या करना है, एक डिव क्रिएट कर लेते हैं दैट इज पोर्टफोलियो कंटेनर। सो हियर आई विल राइट दिस इज माय पोर्टफोलियो कंटेनर। ओके, और इस पोर्टफोलियो कंटेनर के अंदर हम सिक्स डिव क्रिएट करेंगे। ओके, सो हम राइट कर लेते हैं पोर्टफोलियो बॉक्स। ओके, और पोर्टफोलियो बॉक्स के अंदर आपकी क्या है, एक इमेज है। देन जब हम इस इमेज पे होवर करेंगे देन हेडिंग पैराग्राफ और आपका एक आइकन। ओके, सो सबसे पहले हम इमेज राइट कर लेते हैं इमेज, और इमेज के अंदर आपकी क्या आएगी पोर्टफोलियो। ठीक है, देन यहाँ पे हम होवर करने के बाद जो हमें ये पार्ट चाहिए उसके लिए हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं दैट इज पोर्टफोलियो लेयर, दिस इज माई पोर्टफोलियो लेयर। ओके, और इसके अंदर हम राइट करेंगे पार्ट। सो यहाँ पे हम हेडिंग टैग यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम मैंने अभी तो मैंने इसमें हेडिंग बिल्कुल सेम लिया सभी डिव में, और इसका पैराग्राफ भी सेम है और इसका जो आइकन है वो भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं वेब डिजाइन। ओके, देन इसके बाद हमें पैराग्राफ चाहिए तो हम यहाँ से पैराग्राफ को भी राइट कर लेते हैं दिस इज माई पैराग्राफ। ओके, देन इसके बाद मुझे आइकन को भी इम्पोर्ट करना है, तो यहाँ पे हेयर आई विल राइट एन एंकर टैग। ओके, सो इस एंकर टैग के अंदर हम राइट करेंगे हमारा आइकन। ठीक है, और तो इसकी क्लास को हम मेंशन कर देते हैं दिस इज माय एक्सटर्नल लिंक, सो हियर आई विल राइट एक्सटर्नल। ओके,
तो ये पार्ट हमारा जो फर्स्ट डिव है वो हमारा रेडी हो चुका है। इस फर्स्ट डिव को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। देन हम यहाँ पे अपना सेकंड डिव क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमें बस हमें इसकी इमेज को चेंज करना है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड डिव भी क्रिएट हो चुका है। देन थर्ड डिव आई विल राइट 3, ओके। सो हमारा थर्ड डिव भी क्रिएट हो चुका है। देन 4, हमें बस इसकी इमेज को चेंज करना है। ये हमारा पोर्टफोलियो फोर्थ इमेज आ जाएगी प्रोजेक्ट की, ठीक है। देन हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 5। ये हमारा फिफ्थ डिव हो गया। देन दिस इज माई लास्ट डिव, ओके। सो जो आपका पोर्टफोलियो सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। देन हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज टेस्टिमोनियल कंटेनर, ओके। तो आपके 3 सेक्शन लेफ्ट बचते हैं, दैट इज टेस्टिमोनियल कंटेनर, उसके बाद आपका कॉन्टेक्ट मी, देन फूटर सेक्शन, ओके। तो सबसे पहले हम अपने टेस्टिमोनियल कंटेनर के अंदर आते हैं और राइट करते हैं इसका पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे हेडिंग, और इस हेडिंग के अंदर हम राइट करेंगे वैल्यूएबल, दिस इज वैल्यूएबल, ओके। तो आपका टेस्टिमोनियल डिफरेंट कलर में है तो उसके लिए हम स्पैन टैग यूज करेंगे। देन हियर आई विल राइट टेस्टिमोनियल, ओके। और इसे क्लास नेम को मेंशन कर देते हैं, दिस इज माय हेडिंग, ओके। देन इसके बाद हम राइट करेंगे टेस्टिमोनियल पार्ट। तो यहाँ पे हमने 3 टेस्टिमोनियल लिए हैं, ठीक है। तो हमारा हेडिंग कंप्लीट हो चुका है। देन इसके बाद हम टेस्टिमोनियल पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आई विल क्रिएट अ 1 डिव हियर, सो दैट इज टेस्टिमोनियल, ठीक है। इसके अंदर हम एक डिव और क्रिएट करेंगे, दैट इज टेस्टिमोनियल बॉक्स, सो दिस इज माय टेस्टिमोनियल बॉक्स, ओके। तो ये हमारा टेस्टिमोनियल बॉक्स हो गया। देन हम यहाँ पे एक क्लास नेम और मेंशन करेंगे, दैट इज माय स्वाइपर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा टेस्टिमोनियल सेक्शन है इसमें जो आपके क्लाइंट्स हैं उसको स्लाइड करवाने के लिए यहाँ पे हम स्वाइपर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी का यूज करेंगे, तो वो सब हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक क्लास को ऐड किया, दैट इज माय स्वाइपर, ओके। और इसके अंदर हम राइट करेंगे, इसके अंदर हम एक डिव और क्रिएट करेंगे, दैट इज टेस्टिमोनियल कंटेंट, ओके। सो हियर आई विल राइट टेस्टिमोनियल कंटेंट, ओके। तो टेस्टिमोनियल कंटेंट आ जाएगा, और इसके अंदर हम राइट करेंगे हमारे यहाँ पे टेस्टिमोनियल स्लाइड्स, राइट। सो यहाँ पे हम एक क्लास और मेंशन कर देंगे, दैट इज स्वाइपर रैपर, ओके। देन हम यहाँ पे राइट करेंगे हमारे टेस्टिमोनियल, ओके। सो आई विल क्रिएट अ डिव हेयर, और इसकी क्लास नेम को हम मेंशन कर देते हैं, टेस्टिमोनियल स्लाइड, ओके। देन आई विल क्रिएट अ वन क्लास हेयर, वन मोर क्लास, दैट इज स्वाइपर स्लाइड, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम राइट करेंगे हमारा टेस्टिमोनियल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके टेस्टिमोनियल में आपकी क्या क्या चीजें हैं। द फर्स्ट वन इज इमेज, द सेकंड इज हेडिंग, और एंड द थर्ड इज पैराग्राफ, ओके। सो हमें यहाँ पे 3 चीजें मेंशन करनी है, फर्स्ट आपकी हेडिंग, सेकंड आपका फर्स्ट आपकी इमेज, सेकंड हेडिंग एंड थर्ड पैराग्राफ। सो फॉर इमेज के लिए हम इमेज यूज करेंगे, इमेज टैग। देन हम राइट करेंगे हमारा टेस्टिमोनियल, ओके। सो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टेस्टिमोनियल इमेज आ जाएगी। देन यहाँ पे हम हेडिंग टैग यूज करेंगे, और हेडिंग के अंदर राइट कर देंगे हमारे टेस्टिमोनियल नेम। सो हियर आई विल राइट जैक्सन लेवी, ठीक है। देन यहाँ पे हम पैराग्राफ राइट करेंगे, तो ये जो हमारा पैराग्राफ पैराग्राफ है ये हमारा यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोरम 30 यूज कर लेते हैं, ओके। तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया। देन दिस पार्ट इज कंप्लीट, जो हमारा फर्स्ट टेस्टिमोनियल सेक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो गया। सिमिलरली हमें क्या करना है, 2 टेस्टिमोनियल और क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे हम राइट करेंगे, सिर्फ हम इमेज को चेंज कर देंगे, ओके। सो ये हमारा सेकेंड हो गया। देन हम थर्ड को यहाँ पे राइट कर लेंगे, दैट इज दिस इज माई टेस्टिमोनियल 3। तो यहाँ पे आप नेम चेंज कर लेना, ओके। तो ये जो आपका पार्ट है, दैट इज टेस्टिमोनियल कंटेनर, वो आपका रेडी हो चुका है। एंड वन थिंग इज लेफ्ट,
यहाँ पे जो आपका टेस्टिमोनियल सेक्शन है इसके नीचे आप देख सकते हो देर इज अ थ्री आइकन हियर, थ्री डॉट। ओके, यहाँ पे हम थ्री डॉट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थ्री डी क्रिएट करेंगे थ्री डॉट्स के लिए। ओके, सो हियर आई विल राइट, ये जो आपका टेस्टिमोनियल बॉक्स है दिस वन। ओके, सो यहाँ पे ये हमारा टेस्टिमोनियल कंटेंट हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे थ्री डी क्रिएट करेंगे, सो उसकी हम क्लास नेम को मेंशन कर देते हैं, दिस इज स्वाइपर बटन। ठीक है, हियर आई विल राइट नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमारा बटन हो गया। देन हमें एक बटन और क्रिएट करना है, सो उसका नेम हम मेंशन कर देंगे, दिस इज माय स्वाइपर बटन प्रीवियस। ओके, सो ये हमारा दूसरा बटन हो गया। एंड देन आई विल क्रिएट अ थर्ड बटन, दैट इज फॉर पेजिनेशन। ओके, सो हियर आई विल राइट स्वाइपर पेजिनेशन। ओके, तो यहाँ से हमारे थ्री डी क्रिएट हो चुके हैं। तो आपका जो ये पार्ट है डेट इज टेस्टिमोनियल कंटेनर, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमने नैव बार, होम, अबाउट सर्विसेज, पोर्टफोलियो और आपका जो टेस्टिमोनियल कंटेनर है वो रेडी हो चुका है। देन हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, डेट इज कॉन्टैक्ट। ओके, सो आपका जो कॉन्टैक्ट सेक्शन है इसमें आप देख सकते हो आपकी क्या क्या चीजें हैं। द फर्स्ट वन इज हेडिंग, देन यहाँ पे आपके कुछ इनपुट्स बार है और उसके बाद आपका बटन्स और यहाँ पे आपका एक टेक्स्ट एरिया। राइट, तो सबसे पहले हम हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से H2। देन हियर आई विल राइट दिस इज कॉन्टैक्ट और मी आपका डिफरेंट कलर में है, तो यहाँ पे हम स्पैन टैग यूज करेंगे। देन हियर आई विल राइट मी। ओके, सो इसकी क्लास नेम को हम मेंशन कर देते हैं, दिस इज माय क्लास एंड हियर आई विल राइट दिस इज माय हेडिंग। ओके, सो हम हेडिंग के बाद हम क्या राइट करेंगे, हमारा फॉर्म, हमें एक फॉर्म डिजाइन करना है। सो हियर आई विल राइट अ फॉर्म और अपने फॉर्म के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम राइट करेंगे हमारे इनपुट्स बार। ठीक है, सो आई विल क्रिएट अ इनपुट बॉक्स हियर। ओके, दिस इज माय इनपुट बॉक्स। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट रो है, जो हमारी फर्स्ट रो है उसके अंदर हमें हमारे टू इनपुट्स हैं, दैट इज फुल नेम एंड ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम टू इनपुट्स बार क्रिएट करेंगे। सो हियर आई विल राइट अ प्लेस होल्डर और इसके अंदर हम राइट कर लेंगे फुल नेम। ओके, देन हम सेकेंड इनपुट बार क्रिएट करेंगे और इसका जो टाइप होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ईमेल, और इसका प्लेस होल्डर मेंशन कर देते हैं, दिस इज माई ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट इनपुट बॉक्स कंप्लीट। देन हम अपने सेकेंड रो में आते हैं और सेकेंड रो में भी आपके टू इनपुट्स हैं, सो हियर आई विल क्रिएट इनपुट बॉक्स। ओके, सो यहाँ पे हम टू इनपुट्स क्रिएट करेंगे। फर्स्ट में आपका मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पे इसका टाइप हो जाएगा नंबर एंड यहाँ पे हम प्लेस होल्डर में राइट कर लेते हैं, दिस इज माई मोबाइल नंबर। ओके, देन यहाँ पे हम एक इनपुट और क्रिएट कर लेते हैं अपने ईमेल सब्जेक्ट के लिए, सो यहाँ पे हम प्लेस होल्डर में राइट कर लेते हैं क्या, ईमेल सब्जेक्ट, ईमेल सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपके टू इनपुट बॉक्स कंप्लीट। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक डी और क्रिएट करेंगे, किसके लिए, टेक्स्ट एरिया के लिए। ठीक है, सो हियर आई विल राइट टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका कॉलम है वो 30 हो गया, रो हमने 10 ली है। ठीक है, इसको हम सेम रखते हैं। देन हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे, डेट इज सबमिट। सो हियर आई विल राइट एन इनपुट हियर और जो इसका टाइप होगा वो आपका हो जाएगा सबमिट। ठीक है, देन इसके अंदर जो वैल्यू है उसको हम राइट कर देते हैं, दिस इज माई वैल्यू। ठीक है, वैल्यू के अंदर हम क्या राइट करेंगे, सेंड मैसेजेस। ओके, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। देन यहाँ पे हम इसकी क्लास को भी मेंशन कर देंगे, बिकॉज जो हमारे बटन है वो आपके सेम डिजाइन में है, सो हियर आई विल राइट क्लास बटन। ठीक है, तो जो आपका कॉन्टेक्ट स्पेस है वो भी आपका रेडी हो चुका है। देन हम क्या करेंगे, अपने फूटर सेक्शन के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम राइट कर लें हमारे फूटर सेक्शन। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो लेआउट है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। देन हम अपनी CSS फाइल को राइट करेंगे और उसके बाद जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, तो आप जो आपका फूटर सेक्शन है इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आपका एक टेक्स्ट है, दिस इज कॉपीराइट ऑल राइट रिजर्व, और उसके बाद यहाँ पे आपका एक आइकन है। ठीक है, जो आपको टॉप में लेके जाएगा, सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, सो ये आपको टॉप में पहुंचा देगा। ओके, तो यहाँ पे हम फूटर सेक्शन में आते हैं एंड हेयर आई विल क्रिएट अ डिव हेयर, लेट्स से फूटर टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे हम फूटर टेक्स्ट को क्रिएट कर लेंगे और इसके अंदर हम राइट करेंगे क्या, पैराग्राफ, और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं दिस इज माई कॉपी राइट। ओके, देन इस सी सिंबल के लिए यहाँ पे हम राइट करेंगे कॉपी। ठीक है,
सो हेयर आई विल राइट कॉपी, यहाँ पे हमारा जो सिंबल है वो आ जाएगा, डेट इज यहाँ पे हम राइट करेंगे 2023। उसके बाद हम क्या राइट करेंगे, दैट इज ऑल राइट रिजल्ट, ऑल राइट्स, देन हमारा आ जाएगा रिजल्ट। ओके, देन हमारा जो ये फुटर टेक्स्ट है वो हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक हमें आइकन ऐड करना है, फुटर आइकन टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी क्लास को मेंशन कर देते हैं, दिस इज माय फुटर आइकन टॉप, सो हेयर आई विल राइट फुटर आइकन टॉप। ओके, तो इसके अंदर हम एंकर टैग यूज करेंगे और इस एंकर टैग के अंदर हम क्या करेंगे, अपने आइकन को राइट करेंगे। ठीक है, सो इसके क्लास नेम को मेंशन कर देते हैं, इसकी क्लास को। ओके, सो हेयर आई विल राइट बी एक्स, देन हमें जो एरो चाहिए, एरो आइकन चाहिए, तो यहाँ पे हमें अपर डायरेक्शन में एरो चाहिए, सो हेयर आई विल राइट अप एरो। ओके, देन आई विल राइट ऑल्ट। ओके, सो जो आपका फुटर सेक्शन है वो भी आपका रेडी हो चुका है। सो इसका जो लेआउट है वो आपका कंप्लीट रेडी हो चुका है। ठीक है, तो हम इसको ब्राउजर में ओपन करके देख लेते हैं। सो यू कैन सी हेयर, ये आपका लोगो, आपके मेन्यू आइटम्स, देन आपका होम सेक्शन। ठीक है, उसके बाद आपकी इमेज है, देन आप आपका अबाउट मी, सर्विसेज, आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, देन आपका क्या क्या चीजें हैं, आपका टेस्टिमोनियल सेक्शन, देन आपका कॉन्टेक्ट मी, और उसके बाद आपके यहाँ पे आपके आइकन्स विजिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमें आई थिंक इसके आइकन्स को विजिबल करवाने के लिए हमें लिंक टैग यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम इसके लिंक टैग को कॉपी कर लेते हैं। ओके, देन हम अपने हेडिंग टैग में आएंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, लेट्स सी नाउ, तो आप देख सकते हो ये जो आपके आइकन से वो आपके विजिबल हैं। ओके, सो हमारा HTML पार्ट रेडी हो चुका है, डेट इज लेआउट। देन हम अपना जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी राइट करते हैं। सो आई विल कम ऑन माय जावास्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो दिस इज योर पोर्टफोलियो वेबसाइट। ओके, सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस मेन्यू आइकन, तो यहाँ पे आपका जो मेन्यू आइकन है वो चेंज हो जाएगा। ओके, सो और जो आपका नेव बार है वो आपका एक्टिव हो जाएगा। तो हमें ये फंक्शनैलिटी अचीव करनी है सबसे पहले। तो हम मेन्यू आइकन की आईडी हमने क्या ली थी, दैट इज मेन्यू आइकन। ओके, सो हेयर आई विल राइट लेट मेन्यू आइकन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ओके, सो हेयर आई विल राइट मेन्यू आइकन। ओके, देन इसके बाद हमें नेव बार को गेट करना है। सो हेयर आई विल राइट नेव बार, देन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ओके, और जो नेव बार था उसकी क्लास हमने क्या मेंशन की थी, दैट इज नेव बार। ठीक है, सो हेयर आई विल राइट डॉट नेव बार। ठीक है, तो हमें क्या करना है, व्हेन वी क्लिक ऑन अवर मेन्यू आइकन, सो हेयर आई विल राइट ऑन क्लिक। ठीक है, सो जब हम अपने मेन्यू आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या करना है, जो आइकन है उसको चेंज करना है। सो हेयर आई विल राइट मेन्यू आइकन डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। ओके, सो हेयर आई विल राइट एक्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, व्हेन वी क्लिक ऑन दिस मेन्यू आइकन, तो ये जो मेन्यू आइकन की जो क्लास लिस्ट थी, दैट इज बी एक्स मून, सॉरी बी एक्स मेन्यू। ठीक है, यहाँ पे हमारी जिसकी जो क्लास लिस्ट क्या थी, बी एक्स मेन्यू, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, और उसको उसकी जगह हम क्या राइट करेंगे, बी एक्स एक्स। ठीक है, हमारे क्रॉस का साइन आ जाएगा, व्हेन वी क्लिक ऑन अवर मेन्यू आइकन। देन जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा नेव बार को भी हमें एक्टिव करना है। सो हेयर आई विल राइट नेव बार डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, एंड हेयर आई विल राइट दिस इज माई एक्टिव। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, एक्टिव करना है। सो दिस इज कम्प्लीट। सो लेट सी, दिस इज माई मेन्यू आइकन फाइल के साथ लिंक करना है। सो हेयर आई विल राइट स्क्रिप्ट टैग, एंड दिस इज माई सोर्स। सो हमारा जो जावा स्क्रिप्ट का फोल्डर है वो JS के अंदर है, जावा स्क्रिप्ट की फाइल। सो ये हमारी अटैच हो चुकी है। ओके, देन लेट सी, सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस आइकन, सो आप देख सकते हो इसका जो आइकन है वो चेंज हो रहा है और हमारा जो मेन्यू बार है वो एक्टिव हो गया। ठीक है, तो इसकी CSS को हम बाद में राइट करेंगे। सो अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो index.html फाइल है,
इसमें आपको क्या करना है, सो यू कैन सी हेयर। ओके सो अब हमें कौन सी फंक्शनैलिटी अटैच करनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज योर नैव बार। सो व्हेन यू क्लिक ऑन पोर्टफोलियो, सो ये आपका पोर्टफोलियो पे आ गया, ठीक है। तो जब आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे तो आपका पोर्टफोलियो का जो मेन्यू आइटम है वो एक्टिव होगा। तो इसकी फंक्शनैलिटी को हम कैसे कैसे अचीव करेंगे, सो सबसे पहले हम जितने भी हमारे सेक्शन है, डेट इज होम, अबाउट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, इसको गाइड कर लेते हैं। सो हेयर आई विल राइट सेक्शंस। ओके सो सबसे पहले हम यहाँ राइट करेंगे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ओके सो क्वेरी सिलेक्टर ऑल, सो हेयर आई विल राइट सेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जितने भी सेक्शन हमने क्रिएट किए हैं वो सारे हमारे सेक्शंस के अंदर आ जाएंगे, और ये हमारे जितने भी हमारे लिंक हैं, दैट इज होम, अबाउट, सर्विसेज, उसको गेट कर लेते हैं। सो हेयर आई विल राइट नैव लिंक्स। ओके सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और ये हमारे नैव लिंक किसके अंदर है, हेडर फोल्ड, हेडर टैग के अंदर। हेडर टैग के अंदर हमारा जो नैव बार हमने क्रिएट किया था और उसके अंदर जो हमारे एंकर टैग थे वहां पे हमारे क्या है, लिंक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी फंक्शनैलिटी को कैसे अटैच कर कैसे इसको अचीव करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आप अपने जो आपका जो ये वेबसाइट है, ठीक है, जब आप अपनी वेबसाइट को, जब आपकी अपनी विंडो को स्क्रोल करोगे इन वाई डायरेक्शन, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोर लूप का यूज करेंगे, सो दैट वी कैन गेट पर्टिकुलर सेक्शन। सो हेयर आई विल राइट विंडो डॉट ऑन स्क्रोल। सो जब आप अपनी विंडो को स्क्रोल करोगे, सो यहाँ पे हम एक कॉल बैक फंक्शन रन करवा लेते हैं, दिस इज माई कॉल बैक फंक्शन। ओके सो ये आपके पास जितने भी सेक्शंस हैं उसको हम क्या करेंगे, आइट्रेट करवाएंगे, ट्रैवर्स करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम गेट कर लेते हैं टॉप। ओके जब हम अपने विंडो को स्क्रोल करेंगे तो टॉप से हमारी डिस्टेंस कितनी होगी, सो हेयर आई विल राइट विंडो डॉट स्क्रोल वाई। ओके यहाँ से हमें हमारी टॉप से डिस्टेंस मिल जाएगी, टॉप से पोजीशन। सो इसके बाद हम इक्वल टू सेक्शन डॉट ऑफसेट टॉप। ओके और इसको माइनस कर देते हैं 150 से। सो ये ऑफसेट आपको क्या होता है, आई होप आपको ये ऑलरेडी आइडिया हो इस चीज का, और अगर आपको आइडिया नहीं है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ इसका। जब हम अपने विंडोज पे स्क्रॉल करेंगे, ओके सो हमें इसकी फंक्शनलिटी को अचीव करना है, क्या कि जब हम अपने सर्विसेज पे क्लिक करें तो हमारा सर्विसेज का जो सेक्शन है वो हमारा ओपन होना चाहिए और हमारा जो सर्विसेज है वो हमारा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम अपनी पोजीशन को गेट करेंगे पिक्सल्स में, कि हमारी टॉप से इसकी डिस्टेंस कितनी है, और जो आपका सेक्शन है डेट इज सर्विसेज, जहां से आपका सर्विसेज सेक्शन स्टार्ट है वहां से उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो दिस इज योर ऑफसेट। ओके सो इसके बाद हम हाइट को गेट कर लेते हैं, सो हियर आई विल राइट हाइट देन सेक्शन डॉट ऑफसेट हाइट। तो यहाँ से आपको हाइट मिल जाएगी। ओके देन हम यहाँ से आईडी गेट कर लेंगे कि आपकी जो कौन सी आईडी है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने हर सेक्शन में हमने आईडी मेंशन की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। सो यहाँ पे आपका होम सेक्शन में आपकी होम आईडी, अबाउट सेक्शन में आपकी अबाउट आईडी, सर्विसेज, पोर्टफोलियो एंड कॉन्टेक्ट। ओके सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं आईडी। सो आईडी को हम कैसे गेट करेंगे, सो हेयर आई विल राइट सेक्शन डॉट गेट एट्रीब्यूट्स। ओके देन हेयर आई विल राइट आईडी, तो यहाँ से आपको आईडी मिल जाएगी। ओके तो इसकी फंक्शनैलिटी को हम कैसे अचीव करेंगे, इफ, तो यहाँ पे हम कंडीशन लिख लेते हैं, अगर हमारा टॉप ग्रेटर और इक्वल होता है किसके, ऑफसेट के, ऑब्वियसली कि जो आपका टॉप होगा, टॉप से आपकी जो डिस्टेंस होगी वो आपके सेक्शन से जो आपके टॉप से डिस्टेंस है वो तो आपकी क्या होगी, ग्रेटर होगी, राइट। देन यहाँ पे हम एक कंडीशन और राइट कर लेते हैं कि अगर आपका टॉप लेस होगा किससे, ऑफसेट प्लस हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आपकी ये कंडीशन होती है तो हमारे जो नैव लिंक्स हैं, ठीक है, इनिशियली आपका होम, जो आपका होम आइकन है दैट इज आपका जो होम लिंक है वो एक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमारा सारे जितने भी हमारे लिंक है उसको हम ट्रैवर्स करवाएंगे, और जो हमारा पर्टिकुलर जो जितने भी हमारे लिंक है सबको हम क्या कर देंगे, एक्टिव से रिमूव कर देंगे और हमारा पर्टिकुलर लिंक को एक्टिव करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं लिंक्स, ठीक है। तो लिंक्स के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी हमारे लिंक्स हैं उसकी जो क्लास लिस्ट है यहाँ पे हम रिमूव कर देते हैं किसको, एक्टिव को। तो हमारे इनिशियली हमारा एक भी जो हमारा लिंक है वो एक्टिव नहीं होगा, और हमारा एक्टिव कौन सा होगा, जिस भी आइटम पे, जिस भी हमारे नैव लिंक पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ओके सो नैव लिंक हमें कैसे गेट मिलेगा, कैसे हम उसे गेट करेंगे, हेडर नैव देन एंकल टैग। ओके सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एचआरएफ। एचआरएफ हमारा किसके इक्वल होगा, सो उसे हम कैसे गेट करेंगे, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं आईडी एंड देन ओके। सो ये हमारा हो चुका है। देन इसके बाद हम राइट कर लेंगे क्लास लिस्ट। क्लास लिस्ट के बाद हम क्या राइट करेंगे, एड, और यहाँ पे हम राइट कर देंगे एक्टिव। ठीक है, तो हमारा जो पर्टिकुलर जो हमारा लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा। ओके सो ये हम फंक्शनैलिटी हम इस तरह से इसको अचीव करेंगे। देन इसके बाद हमें क्या राइट करना है, सो ये जो पार्ट है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, दिस सेक्शन। ओके राइट, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कौन सी फंक्शनैलिटी अटैच अचीव करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका हेडर है, जो आपका नैव बार है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज योर नैव बार। तो आफ्टर जब आप अपने विंडो को स्क्रॉल करोगे इन वाई डायरेक्शन, तो ये आफ्टर 100 पिक्सल तो आपका जो नैव बार है वो स्टिकी पोजिशन में आ जाएगा। ओके सो उसके लिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं हेडर। सो हियर आई विल राइट हेडर दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ओके सो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, हेडर। तो यहाँ से यहाँ पे हमने हेडर को गेट कर लिया है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर 100 पिक्सल अपने हेडर को स्टिकी पोजीशन में अचीव करेंगे। सो हेयर आई विल राइट हेडर डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। ओके सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं स्टिकी। राइट, तो ये हम स्टिकी हम कब अचीव करेंगे, जब हम अपनी विंडो को स्क्रोल करेंगे इन वाई डायरेक्शन एंड इट विल बी आफ्टर 100 पिक्सल। ओके तो आफ्टर 100 पिक्सल हमारा जो हेडर है वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टिकी पोजीशन में। ओके सो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम अपने नेवबार को ओपन करेंगे, जब हमारा नेवबार एक्टिव होगा और एंड व्हेन वी स्क्रोल अवर वेबसाइट, तो आपका जो ये एक्टिव नेवबार है वो आपका इनएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो ना, तो इस फंक्शनैलिटी को हम कैसे अचीव करेंगे। सो हियर आई विल राइट कि आपका जो मेन्यू आइकन है, दिस इज योर मेन्यू आइकन, मेन्यू आइकन की जो क्लास लिस्ट है उसको हम रिमूव कर देंगे। सो यहाँ हियर आई विल रिमूव दिस दैट इज दिस वन। ओके देन इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका नैव बार है डॉट क्लास लिस्ट उसको हम इनएक्टिव कर देंगे। सो हियर आई विल राइट इनएक्टिव। ठीक है, तो ये हमारा जो नया बार है वो हमारा इनएक्टिव हो जाएगा। ओके सो दिस पार्ट इज ऑल्सो कम्प्लीट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आपका टेस्टिमोनियल सेक्शन है, दिस वन आफ्टर पोर्टफोलियो। ओके सो ये जो आपका टेस्टिमोनियल सेक्शन है, इसमें आपका स्क्रॉल बार हमें अटैच करना है, दैट इज स्वाइपर स्लाइड, कि आपका ऑटोमेटिकली ये आपका जो स्लाइड, जो आपका टेस्टिमोनियल सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली आपका स्लाइड हो। ठीक है, तो उसको हम कैसे अचीव करेंगे, बाय यूजिंग स्वाइपर जावास्क्रिप्ट। ओके सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्वाइपर फंक्शनैलिटी को कैसे अचीव करेंगे। सो हेयर आई विल राइट, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं स्वाइपर जावास्क्रिप्ट। ओके सो जस्ट क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, यहाँ से आपको आपका लिंक मिल जाएगा। लेट्स सी, सो दिस इज योर लिंक। तो ये जो लिंक है आपको यहाँ पे ऐड करना है आपके HTML फाइल के अंदर, जो आपका हेड टैग है। सो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं। सो हेयर आई विल पेस्ट इट। ओके देन आपको जो स्क्रिप्ट टैग है उसको हमें बॉडी टैग के नीचे पेस्ट करना है, यहाँ से हम इसको डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं। ओके एंड आई विल पेस्ट इट इन द बॉटम ऑफ बॉडी टैग। ओके सो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फंक्शनैलिटी चाहिए किसकी, टेस्टिमोनियल सेक्शन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका टेस्टिमोनियल सेक्शन है, इसमें आपके यहाँ पे आपके लेफ्ट और राइट में आपके टू एरोज है और यहाँ पे बॉटम में आपके कुछ डॉट आइकन्स है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कैसे अचीव करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन डेमो। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे डेमो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें कौन सी फंक्शनैलिटी अटैच करनी है अपने स्वाइपर के लिए। ठीक है, सो ये आपके लेफ्ट और राइट में एरो है बट नीचे आपके डॉट्स नहीं है। दिस इज पेजिनेशन, यहाँ पे नंबर है। ओके सो लेट्स सी, दिस इज योर वर्टिकल। ओके
तो यहाँ पे हमें इस टेस्टिमोनियल सेक्शन में इस फंक्शनैलिटी को अटैच करना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कोर पे क्लिक करोगे और जो आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है वो यहाँ पे आप इसको कॉपी पेस्ट कर लोगे, राइट। सो दिस इज योर सी एस एस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका टेस्टिमोनियल सेक्शन है उसमें हमने क्लास मेंशन किया था, दैट इज माई मेन ड्यू, जिसकी हमने क्लास क्या थी, स्वाइपर रैपर, ओके। और जो आपके स्वाइपर स्लाइड की हमने क्लास मेंशन की थी जो आपके टेस्टिमोनियल सेक्शन में है, ठीक है। तो वहां से आप चेक कर सकते हो, और ये आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको कॉपी कर लेंगे, ओके। सो दिस इज, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसको कॉपी कर लेते हैं दिस पार्ट को, और आई विल पेस्ट इट हियर, ओके। सो दिस इज योर जावास्क्रिप्ट फाइल, तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे डायरेक्टली। सो यहाँ पे जो आपके HTML फाइल है, देन वी विल कम ऑन अवर टेस्टिमोनियल कंटेनर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने माई स्वाइपर क्लास नेम हमने मेंशन किया था, ठीक है। तो ये माई स्वाइपर यहाँ पे आ गया, और उसके बाद जो स्पेस है इनके बीच में थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ, लेट्स से 50 डॉट स्वाइपर पेजिनेशन, और यहाँ पे हमने इसकी क्लास को मेंशन किया था स्वाइपर बटन नेक्स्ट स्वाइपर बटन प्रीवियस, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट दिस इज माई मेन ड्यू स्वाइपर रैपर स्वाइपर स्लाइड, ओके। तो ये जो आपका पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। हम इस पेजिनेशन को, टेस्टिमोनियल सेक्शन को कैसे अचीव करेंगे स्लाइड्स में, ठीक है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शनैलिटी को अचीव कर लेते हैं। सो हियर आई विल राइट, सो ये आपका वेबसाइट हो गया, ठीक है। देन इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जब हम व्हेन वी क्लिक ऑन दिस आइकन दैट इज डार्क मेन्यू, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने आइकन को भी चेंज करना है, ठीक है। सो इसको हम कैसे अचीव करेंगे, सो हियर आई विल राइट दिस इज माई डार्क मोड आइकन। सो डार्क मोड आइकन को हम गेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ओके। सो हियर आई विल राइट डार्क मोड आइकन। तो जो हमारा डार्क मोड आइकन था हमारे हेडर फोल्डर के अंदर, दिस इज माई नेव बार, सो आईडी क्या थी इसकी, डार्क मोड आइकन। सो हियर आई विल राइट ओके। देन इस आइकन को गेट करने के बाद इसके हम फंक्शनैलिटी को अटैच कर लेते हैं, दिस इज माई डार्क मोड आइकन। व्हेन वी क्लिक ऑन दिस ओके, सो व्हेन वी क्लिक ऑन दिस आइकन, तो हमें क्या करना है, इसकी जो क्लास लिस्ट है उसको चेंज करना है, ओके। हमें इसके आइकन को चेंज करना है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं दिस इज माय डार्क मोड आइकन, सो आई विल ऐड अ क्लास लिस्ट हियर दैट इज टॉगल, ओके। तो हमें इसकी क्लास लिस्ट को चेंज करना है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं bxn, ठीक है। तो ये हमारा लाइट मोड में, लाइट मोड का आइकन आ जाएगा। देन इसके बाद हमें क्या करना है, जो आपका बॉडी टैग है दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट body dot class list, document body dot class list dot toggle, okay, then यहाँ पे हम write कर लेते हैं dark mode, okay, so what I mean, so this is my dark mode icon, okay, so when you click on this dark mode icon, तो आपका जो icon है वो आपका कौन सा आ जाएगा, light mode का, और जब आपका light mode का icon आएगा तो आपकी जो body है, body के अंदर हम एक class list add कर देंगे, that is dark mode, okay, so यहाँ पे जब आपका body dark mode में होगा, तो यहाँ पे हम इसको, जो आपकी website है वो हम dark mode में convert कर देंगे, okay, so when we, let's come on our next part, that is scroll, okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, when you refresh this website, तो जब आप स्क्रॉल करोगे आप अपनी विंडो को, आप अपनी वेबसाइट को, तो आपके जो फीचर्स है वो कुछ सेकंड्स ले रहे हैं, कुछ टाइम ले रहे हैं, ठीक है, इसको विजिबल करवाने में। तो इस फंक्शनैलिटी को हम कैसे अचीव करेंगे, बाय यूजिंग स्क्रॉल रिवील, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसके लिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेबसाइट है होती है हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक हमारी लाइब्रेरी होती है दैट इज स्क्रॉल रिवील, तो यहाँ पे हम उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं दैट इज स्क्रॉल रिवील cdn, ठीक है। तो यहां से हमें हमारा लिंक मिल जाएगा, सो यू कैन सी हेयर। सो इस फंक्शनलिटी को हम कैसे अचीव करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन गाइड,
तो यहाँ से आपका लिंक मिल जाएगा, दैट इज स्क्रिप्ट। सो आपको क्या करना है, अपने HTML फाइल के अंदर आना है और इसको पेस्ट करना है अपने HTML फाइल में। ओके, जस्ट कम ऑन लास्ट एंड हियर आई विल पेस्ट इट। ओके, देन हमें क्या करना है, इसके बाद आप API पे जाना और API पे आप यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका स्क्रॉल रिवील है उसके अंदर एक फंक्शन होता है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, डेट इज रिवील। ओके, यहाँ से हम इसके अंदर फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं, दिस इज डिलेड ड्यूरेशन। ओके, सो लेट्स राइट। तो यहाँ पे आपको राइट करना है स्क्रॉल रिवील, ओके। सो जो डिस्टेंस है उसको मैं रख लेती हूँ 80 पिक्सल। ओके, देन ड्यूरेशन को मैं गेट कर लेती हूँ, लेट्स से 2000, राइट। देन आई विल ऐड सम डिले, लेट्स से 200। ओके, देन जो आपका स्क्रॉल रिवील है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज रिवील। ओके, सो हियर आई विल राइट, इसको हम कॉल करेंगे और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी होती है, डेट इज रिवील। ठीक है, सो हमें किस किस के अंदर ये फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, डेट इज माई होम कंटेंट। ओके, सो आपके अंदर जो आपके जितने भी आपके सेक्शंस हैं सब में इस फंक्शनैलिटी को ऐड करना है। सो उसके अंदर हम सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं होम कंटेंट, होम कंटेंट के बाद हमें हेडिंग में भी ऐड करनी है इस फंक्शनैलिटी को। देन यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं ओरिजन। ओके, देन हेयर आई विल राइट टॉप। ओके, सो दिस पार्ट इज क्लियर। इसमें हमने क्या किया है कि आपने एक स्क्रॉल रिवील प्रॉपर्टी को ऐड किया है जिसके अंदर आपके क्या होगा, जो आपका होम कंटेंट है। सो हेयर आई मैं आपको ये शो करवा के दिखा देती हूँ, दिस इज योर होम कंटेंट। ठीक है, सो ये जो आपका होम कंटेंट है दिस वन, और जो आपका हेडिंग है। ओके, तो ये जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपके टॉप से ये आपका क्या होगा, स्क्रॉल होगा, टॉप से आपके विजिबल होंगे, टॉप से आपका जो डेटा है वो आएगा, राइट। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी को गेट कर लेते हैं। सो हियर आई विल राइट स्क्रॉल रिवील, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं होम के अंदर जो हमारी इमेज है उसको भी मुझे लेके आना है। सो हेयर आई विल राइट इमेज, देन जो आपका सर्विसेज कंटेनर है यहाँ पे हम उसको भी राइट कर लेते हैं, सर्विसेज कंटेनर। देन हमें पोर्टफोलियो के अंदर भी राइट करना है, सो हेयर आई विल राइट पोर्टफोलियो बॉक्स। ओके, देन जो आपका टेस्टिमोनियल सेक्शन है, सो हेयर आई विल राइट टेस्टिमोनियल सेक्शन, राइट। देन इसके बाद हमें इसमें अटैच करना है, डेट इज कॉन्टैक्ट। ओके, सो यहाँ पे हम इसका जो ओरिजन है उसको हम किस में करेंगे, बॉटम में, कि आपका जो डेटा है वो आपका बॉटम से विजिबल होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डेट इज माई कॉन्टैक्ट फॉर्म। ओके, सो इसका जो ओरिजन है उसको मैं राइट कर लेती हूँ, दिस इज फॉर बॉटम। ठीक है, ये आपका जो ओरिजिन है वो आपका बॉटम से होगा, राइट। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आपका फॉर्म है इसमें आएगा, सो आई विल रिमूव इट। ओके, देन आई विल ऐड अ थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज स्क्रॉल रिवील। ओके, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, सो ये आपका स्क्रॉल रिवील हो गया। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, दिस इज माई होम कंटेंट। ओके, होम कंटेंट में जो आपका H1 टैग है, राइट। देन जो आपका अबाउट, उसमें जो आपकी इमेज है, सो हेयर आई विल राइट अबाउट इमेज। ओके, देन हमें क्या करना है, उसका जो ओरिजन है उसको मैं गेट कर लेती हूँ, लेट से लेफ्ट साइड से। ओके, सो हेयर आई विल राइट लेफ्ट। सो दिस पार्ट इज ऑल्सो कम्प्लीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो अबाउट अस में जो आपकी इमेज है,
सो लेट्स गो एंड कम ऑन अवर अबाउट सेक्शन. सो दिस इज योर इमेज, अबाउट इमेज के अंदर जो आपकी इमेज है. ओके देन हम अपना नेक्स्ट राइट कर लेते हैं. सो हेयर आई विल राइट स्क्रॉल रिवील. देन इसके बाद हमें क्या करना है, जो आपके होम कंटेंट के अंदर जो आपका H3 टैग है दैट इज हेलो आई एम, एंड आपके होम कंटेंट के अंदर जो पैराग्राफ है इसके अंदर हम क्या करेंगे, ओरिजिन हम राइट कर लेंगे. सो हेयर आई विल राइट होम कंटेंट. ओके सो होम कंटेंट के अंदर जो आपका H3 टैग है, देन आपका जो होम कंटेंट है उसके अंदर जो आपका पैराग्राफ टैग है, एंड जो आपका अबाउट कंटेंट है ओके उसके अंदर अबाउट कंटेंट दिस वन. सो ओके सो अबाउट कंटेंट के अंदर जो आपका पूरा पोर्शन है उसका ओरिजिन हम राइट कर लेते हैं. सो हेयर आई विल राइट ओरिजिन दैट इज राइट. ओके सो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है. देन वी विल सी, तो ये जो आपकी वेबसाइट है तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जब हम व्हेन वी स्क्रॉल अवर वेबसाइट सो आपके जो आइटम्स है जो आपके डेटा है इट विल टेक सम फ्यू सेकेंड्स. ओके सो कुछ आपके राइट से विजिबल है कुछ आपके लेफ्ट से विजिबल है. ओके सो आई होप इट्स क्लियर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका होम कंटेंट है H3 एंड दिस पैराग्राफ, ये आप व्हेन वी रिफ्रेश दिस ओके सो आपके राइट से विजिबल है, ये राइट से आपका डेटा जो है आपका ओपन हो रहा है. ठीक है तो ये हम जो आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है. देन हम अपनी CSS फाइल पे आते हैं और इसका डिजाइनिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं. ओके सो हमने ऑलरेडी इसका जो लिंक टैग है आई थिंक नहीं, सबसे पहले हम इसको लिंक कर लेते हैं अपनी CSS फाइल को HTML फाइल से. सो हियर आई विल राइट CSS दैट इज style.css. ओके सो लेट्स स्टार्ट. ओके सो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी डिजाइनिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट का. सो दिस इज माई style.css फाइल. ओके सो यहाँ पे हमने गूगल फॉन्ट ओसम का यूज़ किया है, गूगल फॉन्ट, और यहाँ पे उसकी लाइब्रेरी को CDN लिंक्स को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया. ठीक है तो वो जो आपका CDN लिंक है आपको वहाँ से मिल जाएगा गूगल से, राइट. सो इसके बाद हम इसका डिजाइनिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं दिस मार्जिन को 0. ओके देन इसकी जो पैडिंग है वो भी हम 0 कर देंगे. ओके सो इसके जो बॉक्स साइजिंग है उसको मैं कर देती हूँ बॉर्डर बॉक्स, राइट. देन टेक्स्ट डेकोरेशन को हम कर देंगे नन. ओके सो जो आपकी अंडरलाइन है वो रिमूव हो जाएगी. उसके बाद जो बॉर्डर है उसको हम कर देंगे नन. ओके और जो आउटलाइन है उसको भी हम नन कर देते हैं. ठीक है और जो स्क्रॉल बिहेवियर है उसको मैं कर देती हूँ स्मूथ. देन यहाँ पे जो फॉन्ट फैमिली है उसको मैं राइट कर लेती हूँ फॉन्ट फैमिली. ओके सो फॉन्ट फैमिली में राइट करती हूँ पॉपिंस. सो हेयर आई विल राइट पॉपिंस एंड सेंस सेरिफ. ओके तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली आ गई. देन इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट के अंदर जितने भी कलर हमें यूज करने वाले हैं वाइट वॉयलेट एंड ब्लैक, तो उसको हम सबसे पहले रूट में राइट कर लेते हैं. सो हेयर आई विल राइट रूट. ओके देन यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बिजी कलर. सो यहाँ पे हम बिजी कलर को राइट कर लेते हैं. ठीक है देन आई विल राइट टेक्स्ट कलर, और टेक्स्ट कलर हम राइट कर लेते हैं लेट्स से दिस वन. ओके सो इसके बाद हमें मेन कलर डिफाइन करना है. सो मेन कलर को हम राइट कर लेते हैं लेट्स से राइट. देन हमें यहाँ पे वाइट कलर मेंशन करना है. सो हेयर आई विल राइट वाइट कलर, और वाइट कलर को भी हम कर देते हैं. ठीक है देन इसके बाद हम यहाँ पे शेडो कलर भी ऐड कर देते हैं. सो हेयर आई विल राइट शेडो कलर. देन आई विल गिव 0.2. ओके सो उसके बाद हमें क्या करना है, सो हेयर आई विल राइट सिलेक्शन. ओके सो जो इसका बैकग्राउंड है उसको हम कर देंगे
दैट इज मेन कलर, ओके सो बैकग्राउंड हमारा मेन कलर का हो जाएगा और इसके कलर को मैं मेंशन कर देती हूँ, डेट इज माय बीजी कलर, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट क्लिक ऑन, अभी आपका हमने डार्क मोड में अभी इसको हमने राइट नहीं किया है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। सो इफ इट इज इन डार्क मोड तो उसका जो बीजी कलर है, सो हियर आई विल राइट बैकग्राउंड कलर ओके, देन आई विल मेंशन टेक्स्ट कलर। सो डार्क मोड में टेक्स्ट कलर क्या होगा हमारा और बैकग्राउंड कलर क्या होगा, शेडो कलर क्या होगा, तो उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ठीक है। देन इसका शेडो कलर हम मेंशन कर देते हैं, लेट्स से RGBA, ओके। देन इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी राइट करते हैं। सो ये हमारा डार्क मोड का हो गया, राइट। इसके बाद हम राइट कर लेते हैं हमारा HTML पार्ट। सो हियर आई विल राइट HTML। सो इसका जो फॉन्ट साइज है उसको मैं कर देती हूँ लेट्स से 62.5%, ओके। देन यहाँ पे जो ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो एक्स डायरेक्शन में, उसको मैं कर देती हूँ हिडन, राइट। देन यहाँ पे इसके बाद जो हमने बॉडी टैग यूज किया था उसके लिए हम राइट कर लेते हैं जो इसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में हमें कौन सा कलर राइट करना है, सो हेयर आई विल राइट दैट इज माई बैकग्राउंड कलर, ओके। देन इसका जो कलर है उसको हम मैंसन कर देते हैं क्या, दैट इज माई टेक्स्ट कलर, ओके। सो यू कैन सी द डिफरेंस हेयर, राइट। इसके बाद हम अपना नेवबार पार्ट राइट कर लेते हैं, सो हेयर आई विल राइट हेडर। सो जो हमारा नेवबार है उसकी पोजिशन को हम कर देंगे फिक्स, राइट, और टॉप से मैं कर देती हूँ उसको 0, देन लेफ्ट से हम कर देंगे उसको 0, ओके। और विड्थ मुझे उसकी कंप्लीट रखनी है, सो आई विल राइट 100% हेयर। देन आई विल गिव सम पैडिंग फ्रॉम टॉप और बॉटम, लेट्स से 2 RM, एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आई विल एड 7%, ओके। देन आई विल एड सम बैकग्राउंड हेयर, लेट्स से ट्रांसपेरेंट, ओके। देन इसके डिस्प्ले को मैं कर देती हूँ फ्लैक्स, राइट। अलाइन आइटम्स को मैं कर देती हूँ सेंटर में, ओके। और जो इसका जेड इंडेक्स है उसको मैं कर देती हूँ 100, ताकि ये हमें विजिबल हो, राइट। देन जो ट्रांजिशन है उसको ट्रांजिशन ऐड कर देती हूँ मैं इसमें, लेट्स से 0.5 सेकेंड, ओके। इसके बाद हम राइट कर लेते हैं अगर हमारा जो हेडर है वो स्टिकी होगा आफ्टर 100 पिक्सल, सो उसका जो बैकग्राउंड है वो हम क्या रखेंगे, सो हियर आई विल राइट बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं दैट इज माई बैकग्राउंड कलर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक बॉक्स शेडो ऐड कर देंगे, सो हेयर आई विल राइट 0.1 RM, 1 RM वेयर दैट इज माई शेडो कलर, ओके। सो दिस इज कंप्लीट। अब हम अपना राइट कर लेते हैं लोगो। सो आपके नेवबार के अंदर जो आपका लोगो है, सो हेयर आई विल राइट लोगो, और तो इसका जो फॉन्ट साइज है लोगो का उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, लेट्स से 2.5 RM, सो यू कैन सी द डिफरेंस हियर, आपका जो फोन साइज है। देन इसका जो कलर है उसको हम चेंज कर देते हैं, ओके। सो कलर को मैं राइट कर देती हूँ, लेट्स से माय मेन कलर, ओके। देन इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो इसका लोगो है उसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ, सो हियर आई विल राइट 600 फॉन्ट वेट। देन आई विल गिव मार्जिन फ्रॉम राइट, लेट्स से ऑटो, ठीक है। तो आपके जो नेवलिंग्स है वो आपके राइट में आ जाएंगे, राइट। सो जो नेवबार है, नेवबार के अंदर आपके जो नेवलिंग्स है उसकी पोजीशन को हम कर देंगे रिलेटिव, ओके। सो आई विल गिव सम फॉन्ट साइज, लेट्स से 1.7 RM, राइट। देन इसके बाद हम कलर को मेंशन कर देंगे, ओके। सो आई विल गिव अ कलर हियर, लेट्स से वाइट कलर, ठीक है। देन आई विल गिव सम फॉन्ट वेट, लेट्स से 500, ओके। देन आई विल एड सम मार्जिन फ्रॉम राइट डायरेक्शन, लेट्स से 3.5 RM, ओके। सो यू कैन सी द डिफरेंस हियर, सो दैट इज योर होम अबाउट सर्विसेज पोर्टफोलियो। सो आपके जो लिंक्स हैं दैट इज मेन्यू लिंक्स, और इसका फोन साइज भी मुझे थोड़ा चेंज करना है, ओके। सो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि जब हमारा हेडर स्टिकी होगा, ओके, तो जो आपका नेवबार है, नेवबार के अंदर जो आपके नेवलिंक्स हैं उसके कलर को हम चेंज कर देंगे, ओके। सो हियर आई विल राइट
दैट इज माई टेक्स्ट कलर, राइट। देन इसके बाद हमें क्या करना है, सो हेयर आई विल राइट नेवबार। नेवबार के जो नेवलिंग्स है वेन दे आर एक्टिव, सो हेयर आई विल राइट एक्टिव। ओके, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं कंटेंट। ओके, उसकी पोजिशन कम कर देते हैं एब्सोल्यूट, राइट। देन लेफ्ट से हम कर देंगे जीरो। ओके, आई विल गिव सम बॉटम हेयर, लेट्स से -6 pixel। ओके, और जो इसकी विड्थ है उसको मैं कंप्लीट रखती हूँ, डेट इज 100%, राइट। देन आई विल गिव सम हाइट, लेट्स से 0.2 rem। ओके, सो इसकी हाइट को हमने मेंशन कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आई हैव टू गिव सम बैकग्राउंड कलर। ओके, लेट्स से वेयर वाइट कलर। ओके, सो वेयर इज माई वाइट कलर, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका होम है, इनिशियली आपका जो होम नेव लिंक है वो आपका एक्टिव है, तो यहाँ पे आपके जो होम के नीचे जो आपकी बॉर्डर ऐड हो चुकी है, ठीक है, बॉटम में। देन इसके बाद हम क्या राइट करेंगे, जो आपका डार्क मोड आइकन है दिस वन, मुझे उसके फोन साइज को चेंज करना है, सो हेयर आई विल राइट डार्क मोड आइकन। ओके, सो जो आपका डार्क मोड आइकन है उसकी आईडी हमने डार्क मोड आइकन मेंशन की थी, सो वहां से आप चेक कर सकते हो। ओके, सो इसका फोन साइज मैं इंक्रीज कर देती हूँ, लेट्स से 2.4 rem। ओके, सो आई विल गिव सम कलर हेयर, लेट्स से वेयर दैट इज माई वाइट कलर। ओके, सो इसके कर्सर को हम कर देंगे पॉइंटर, राइट। तो आप देख सकते हो ये जो आपका फॉन्ट है वो आपका इंक्रीज हो चुका है, सो यू कैन सी द डिफरेंस हियर। ओके, देन इसके बाद हम राइट कर लेते हैं अपने मेन्यू आइकन के लिए। ओके, सो हियर आई विल राइट दैट इज फॉर मेन्यू आइकन। ओके, सो इसका जो फॉन्ट साइज है उसको भी हम इंक्रीज कर देते हैं, लेट्स से 3.6 rem, ठीक है। और इसका जो कलर है उसको हम मेंशन कर देते हैं, लेट्स से दिस इज माय टेक्स्ट कलर, राइट। और इसका जो डिस्प्ले है उसको हम कर देंगे नन, ठीक है। इनिशियली हमने उसका जो डिस्प्ले है वो हाइड कर दिया, राइट। देन हम इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको राइट कर लेते हैं। ओके, सो यहां से आप देख सकते हो, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका होम सेक्शन है, आपने जितने भी सेक्शन यहाँ पे राइट किए, होम सर्विसेज अबाउट, तो उसके लिए हम राइट कर लेते हैं दिस इज माई सेक्शन, राइट। सो जो आपके सेक्शन है उसकी जो मिनिमम हाइट है उसको हम रख लेते हैं, लेट्स से 100 vh। ओके, देन आई विल गिव सम पैडिंग इन योर सेक्शन, लेट्स से फ्रॉम टॉप 10 rem, एंड फ्रॉम लेफ्ट आई विल एड 7%, एंड फ्रॉम बॉटम आई विल एड 2 rem। ओके, सो यू कैन सी द डिफरेंस हियर, राइट। सो जो आपका होम है, होम के अंदर जो आपके होम कंटेंट थे दिस वन, उसके लिए हम राइट कर लेते हैं, सो हेयर आई विल राइट होम कंटेंट। ओके, सो उसकी जो मैक्सिमम विड्थ है उसको मेंशन कर देते हैं, लेट्स से 44 rem। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैक्सिमम विड्थ इसमें ऐड हो चुकी है, राइट। अब होम कंटेंट के अंदर जो आपने टैग यूज किए थे H3 टैग, दैट इज फॉर हेलो IM के लिए। ओके, सो यहाँ पे हम उसके लिए राइट कर लेते हैं, दैट इज माई होम कंटेंट। होम कंटेंट के अंदर जो आपने राइट किया था H3 टैग, सो उसका जो फॉन्ट साइज है उसको मेंशन कर देते हैं, लेट्स से 3.2 rem। ओके, और इसका जो फॉन्ट वेट है उसको हम रख लेते हैं, लेट्स से 700। ओके, देन आई विल गिव सम लाइन हाइट, लेट्स से 0.3, सो यू कैन सी द डिफरेंस हियर, राइट। देन यहाँ पे जो हमने H1 टैग यूज किया था नेम के लिए, सो उसके लिए हम राइट कर लेते हैं, दैट इज माई होम कंटेंट। होम कंटेंट के अंदर जो आपका H1 टैग है, सो उसका जो फोन साइज है, ठीक है, उसको हम कर लेते हैं, लेट्स से 5.6 rem, ठीक है। देन आई विल गिव सम फॉन्ट वेट, लेट्स से 700, सो यू कैन सी द डिफरेंस, राइट। देन आई विल गिव सम मार्जिन फ्रॉम बॉटम, ओके, लेट्स से 0.3 rem, ठीक है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, जो पैराग्राफ हमने यूज किया था दिस वन, सो उसके लिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, डेट इज माई होम कंटेंट। होम कंटेंट के अंदर जो आपके पैराग्राफ्स हैं उसके जो फॉन्ट साइज है उसको मेंशन कर देते हैं, लेट्स से 1.6 rem। ओके, सो दिस पार्ट इज कंप्लीट नाउ। देन हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, किस पे, सोशल मीडिया आइकन्स। ओके, सो जो आपके होम कंटेंट के अंदर जो आपके सोशल आइकन्स थे
उसकी क्लास हमने क्या मेंशन की थी, डेट इज सोशल मीडिया, और उसके अंदर हमने क्या मेंशन किए थे, हमारे आइकन्स। ओके, तो उसके जो डिस्प्ले है उसको हम कर देंगे इनलाइन फ्लेक्स रो में, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट हम कर देते हैं सेंटर में, राइट, अलाइन आइटम्स को भी हम सेंटर में रखते हैं। ओके, देन आई विल गिव सम विड्थ फॉर अ पर्टिकुलर आइकन्स, लेट से 4 आरियम, और इसकी जो हाइट है उसको मेंशन कर देंगे सेम, दैट इज 4 आरियम। ओके, और इसका जो बैकग्राउंड है उसको हम कर लेते हैं ट्रांसपेरेंट, राइट। देन आई विल गिव सम बॉर्डर, लेट से 0.2 आरियम सॉलिड, लेट से मेन कलर। ओके, सो यू कैन सी द डिफरेंस हियर, दैट इज योर आइकन, राइट। तो यहाँ पे हमने इसकी जो बॉर्डर है उसको ऐड कर दिया, सो हमें इसको सर्कल में लेके आना है, सो आई विल गिव सम बॉर्डर रेडियस, लेट से 50%, सो ये आपका सर्कल में आ जाएगा। देन आई विल गिव सम बॉक्स शेडो, ओके, सो हियर आई विल राइट 0.2 आरियम, देन 0.5 आरियम, देन आई विल गिव सम बॉक्स शेडो कलर। ओके, सो जो आपके आइकन है उसका फॉन्ट साइज हम इंक्रीज कर देते हैं, लेट से 2, देन आई विल गिव सम कलर हियर, दैट इज माय मेन कलर। ओके, सो आई विल गिव सम मार्जिन, ओके, ताकि इनके बीच में हमारा थोड़ा स्पेस ऐड हो, सो हियर आई विल राइट 2.5 आरियम फ्रॉम टॉप, फ्रॉम लेफ्ट आई विल गिव 1.5 आरियम, फ्रॉम बॉटम आई विल गिव लेट से 3 आरियम, एंड फ्रॉम राइट आई विल गिव 0। ओके, सो यहाँ पे हम ट्रांजिशन भी ऐड कर देते हैं, लेट से 0.5, ओके, सो यू कैन सी द डिफरेंस हियर। सो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। सो इसमें हमें एक फंक्शनैलिटी अटैच करने की, व्हेन वी क्लिक ऑन दिस आइकन, सो हमें यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, सो उसके लिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, दैट इज माई होम कंटेंट, होम कंटेंट के अंदर जो आपके सोशल मीडिया आइकन्स हैं, दिस वन, जब हम इस पे होवर करेंगे तो हमें उसका जो बैकग्राउंड है उसे चेंज करना है, सो हियर आई विल राइट बैकग्राउंड, ओके, सो दैट इज माई मेन कलर। ओके, देन आई विल गिव सम कलर हेयर, लेट से दैट इज माई वाइट कलर। सो जब आप देख सकते हो वेन वी क्लिक ऑन दिस, सो इसके जो बैकग्राउंड कलर और कलर है वो चेंज हो रहे हैं, राइट। देन हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, राइट, सो दैट इज योर डाउनलोड CV। ओके, तो हमें बटन की प्रॉपर्टी राइट करनी है, सो उसकी क्लास हमने मेंशन की थी, दैट इज बटन, तो इसका जो डिस्प्ले है उसको हम कर देंगे इनलाइन ब्लॉक। ओके, देन आई विल गिव सम पैडिंग, लेट से 0.2 आरियम, ओके, एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आई विल गिव लेट से 2.8 आरियम। ओके, देन आई विल गिव सम बैकग्राउंड कलर, दैट इज माय मेन कलर। ओके, सो इसकी हम बॉर्डर रेडियस ऐड कर देते हैं, लेट से 0.6। ओके, देन आई विल गिव सम बॉक शेडो, दैट इज माय शेडो कलर, राइट। इसके बाद हम इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे, लेट से 1.6। ओके, देन आई विल गिव सम कलर हेयर, दैट इज माय वाइट कलर। ओके, देन यहाँ पे हम इसमें लेटर स्पेसिंग ऐड कर देंगे इनके बीच में, लेट से 0.1 आरियम। ओके, देन आई विल ऐड सम फॉन्ट वेट, लेट से 600। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपका बटन है वो रेडी है, और ये आपके जितने भी बटन है दैट इज रीड मोर। ओके, सो अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, तो यहाँ पे हमने फॉन्ट वेट ऐड कर दिया, अभी हमें इसमें थोड़ा सा बॉर्डर भी ऐड करना है, सो यहाँ पे हम बॉर्डर ऐड कर देते हैं। ओके, सो आई विल गिव 0.2 आरियम ट्रांसपेरेंट, ओके, देन आई विल गिव सम ट्रांजिशन, लेट से इज, ओके, देन वी विल कम ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बटन। ओके, सो व्हेन वी क्लिक ऑन अवर बटन, राइट, सो हमें क्या करना है, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, सो बैकग्राउंड को हम कर देते हैं ट्रांसपेरेंट, सो यू कैन सी द डिफरेंस हियर। ओके, राइट,
देन इसका जो कलर है उसको हम राइट कर देते हैं, दैट इज माई मेन कलर. ओके सो आई विल गिव सम बॉर्डर कलर. ओके लेट्स से जस्ट इज माई मेन कलर, सो यू कैन सी द डिफरेंस हेयर. ओके देन वी विल कम ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोफेशन कंटेनर, जिसमें आपके हमने यहाँ पे फोर प्रोफेशन राइट किए थे, दैट इज वेब डेवलपर, फोटोग्राफर, वेब डिजाइनर एंड वीडियोग्राफर. ओके सो उसके लिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं जो आपका होम कंटेनर है, होम के अंदर जो आपके प्रोफेशन कंटेनर हमने एक डिव क्रिएट किया था. हियर आई विल राइट प्रोफेशन कंटेनर. ओके सो उसकी पोजिशन को हम कर देंगे एब्सोल्यूट. ओके देन टॉप से मैं रख लेती हूँ लेट्स से 50%, राइट. देन राइट से हम कर लेते हैं 0. ओके सो मुझे इसको टॉप में लेके आना है, तो यहाँ पे हम ट्रांसलेट करवा देंगे इसको वाई डायरेक्शन से. सो हेयर आई विल राइट ट्रांसलेट फ्रॉम वाई डायरेक्शन लेट्स से -50%. ओके तो ये आपके टॉप में आ गई, राइट. और इसकी जो विड्थ है उसको हम रख लेते हैं लेट्स से 100. ओके देन आई विल गिव सम हाइट लेट्स से 100. ओके और इसका जो ओवरफ्लो है उसको हम कर देंगे, जो इसका ओवरफ्लो है उसको हम कर देंगे हिडन, राइट. देन यहाँ पे जो पॉइंटर इवेंट्स है उसको मैं कर देती हूँ नन. ओके सो पॉइंटर इवेंट्स को हम क्या कर देंगे, नन. देन हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं ओके. सो प्रोफेशन कंटेनर के अंदर आपके फोर प्रोफेशंस थे, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं हमारे होम के अंदर जो हमारा प्रोफेशन कंटेनर है, और प्रोफेशन कंटेनर के अंदर जो आपके प्रोफेशन बॉक्स है, यहाँ पे हमारे फोर प्रोफेशन थे, ठीक है. फोर प्रोफेशन बॉक्स हमने क्रिएट किए थे, तो उसकी पोजीशन को हम कर देंगे एब्सोल्यूट. ओके टॉप से हम रख लेते हैं इसको 0. देन राइट से भी हम इसको कर देते हैं 0. ओके और जो विड्थ है उसको मैं रख लेती हूँ लेट्स से 768 पिक्सल, ठीक है. देन आई विल गिव सम हाइट लेट्स से 100 bh. ओके और इसका जो डिस्प्ले है उसको मैं कर देती हूँ फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट को मैं कर देती हूँ सेंटर में, और अलाइन आइटम्स को भी मैं यहाँ पे राइट कर लेती हूँ सेंटर, ठीक है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपके आइकन्स हैं जो आपके प्रोफेशन है. देन आई विल गिव सम एनिमेशन. ओके सो हेयर आई विल राइट, हमें अपने प्रोफेशन को रोटेट करना है तो हमें एनिमेशन ऐड करना है उसके लिए. सो हेयर आई विल राइट प्रोफेशन रोटेट, दिस इज माई एनिमेशन नेम. सो आई विल गिव 30 सेकेंड, दैट इज आउट. ओके देन आई विल गिव इनफाइनाइट. तो हम अपना एनिमेशन कैसे ऐड करेंगे इसमें, इसके लिए तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं की फ्रेम्स, और यहाँ पे इसकी जगह हम नाम राइट कर लेंगे दैट इज माई प्रोफेशन. सो हेयर आई विल राइट That is profession rotate. Okay, तो यहाँ पे हम mention कर लेते क्या 0% और हमारा 20% पे हम यहाँ पे write कर लेते क्या transform. Okay, so इसको हम rotate करवा देंगे 0% पे let's say that is 0 degree. So 0% पे ये हमारा 0 degree होगा. Then here I will write 25% and 45%. Okay, so I will write a transform property here. तो यहाँ पे हम इसको rotate करवा देंगे let's say -90 degree. Okay, then here I will write for 50% and I will give let's say 70%. तो यहाँ पे हम इसको write कर लेते हैं transform, ठीक है. तो इसको हम रोटेट करवा देंगे लेट्स से आई विल गिव -180 degree. ओके सो यू कैन सी द डिफरेंस हियर, राइट. देन हम राइट कर लेते हैं 75% एंड 95% के लिए. ओके सो सिमिलरली हमें इसमें भी क्या करना है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ऐड करनी है. सो हियर आई विल राइट ट्रांसफॉर्म, और इससे भी हम करवा देंगे रोटेट कितने डिग्री से लेट्स से -270 degree, बिकॉज हमें इसे 360 degree रोटेट करवाना है, राइट. और 100% पे हम क्या राइट करेंगे दैट इज 360 degree.
ओके सो हियर आई विल राइट ट्रांसफॉर्म, दैट इज ट्रांसफॉर्म रोटेट, देन हियर आई विल राइट 360 डिग्री. ओके सो इसके अंदर आपका एनिमेशन ऐड हो चुका है, देन हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं. सो जो प्रोफेशन बॉक्स के अंदर जो आपके प्रोफेशंस थे, दैट इज वेब डिजाइनर वीडियोग्राफर, सो उसके लिए हम क्या राइट करेंगे, दिस इज माई होम, एंड यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं प्रोफेशन बॉक्स. सो प्रोफेशन बॉक्स के अंदर जो आपके प्रोफेशन थे, ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज योर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल, सो दैट इज योर होम सेक्शन, दैट इज योर प्रोफेशन सेक्शन. सो यहाँ पे जो आपका प्रोफेशन बॉक्स है, तो प्रोफेशन बॉक्स के अंदर आपके 4 प्रोफेशन थे, ठीक है. सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं क्या, तो इसकी जो पोजीशन है उसको मैं कर लेती हूँ एब्सोल्यूट, सो हियर आई विल राइट एब्सोल्यूट. ओके देन हम लेफ्ट लेफ्ट में लेके आना है, तो हम लेफ्ट से कर देते हैं 0. ओके सो डिस्प्ले को मैं कर देती हूँ फ्लैक्स. ओके देन आई विल गिव सम अलाइन आइटम्स, लेट्स से सेंटर, राइट. फ्लैक्स डायरेक्शन को हम कर देंगे कॉलम में. ओके देन आई विल गिव सम कलर हेयर, लेट्स से दैट इज माई मेन कलर. ओके सो आई विल गिव सम ट्रांसफॉर्म, ठीक है. तो हमें इसके पर्टिकुलर जितने भी आपके ये प्रोफेशन है, हमें इसकी पोजीशन को एडजस्ट करना है, सो और उसको साइड बाय साइड हमें रोटेट भी करवाना है. तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं रोटेट, और यहाँ पे हम कैलकुलेट यूज करेंगे, कैलकुलेट फंक्शनैलिटी. सो हियर आई विल राइट 360 डिग्री. ओके तो टोटल हमारा सर्कल 360 डिग्री का होता है, और यहाँ पे हमने 4 प्रोफेशन यूज किए, तो यहाँ पे हम 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, देन हियर आई विल मल्टीप्लाई इट बाय आई. ओके तो यहाँ पे हमने 4 प्रोफेशन के लिए यहाँ पे हमने मेंशन किया था, दैट इज 10123. ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हो. ओके देन यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं ट्रांसफॉर्म ओरिजन, और उसको हम रख लेंगे 384 पिक्सल. ओके देन आई विल गिव सम बैकग्राउंड, लेट्स से दैट इज माई बैकग्राउंड कलर. ओके देन आई विल गिव सम पैडिंग, लेट्स से 13 पिक्सल फ्रॉम टॉप और बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट फ्रॉम 0. ओके सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए, सो हियर आई विल राइट होम सेक्शन, होम सेक्शन होम के अंदर जो आपका प्रोफेशन बॉक्स है, और प्रोफेशन बॉक्स के अंदर जो आपका फर्स्ट प्रोफेशन है, ठीक है. तो उसके nth चाइल्ड को हम राइट कर लेते हैं, दैट इज 1, जो आपका फर्स्ट प्रोफेशन है. ओके आई विल गिव सम मार्जिन राइट, लेट्स से 15 पिक्सल. ओके देन इसके बाद हम राइट कर लेते हैं सेकंड और फोर्थ चाइल्ड के लिए, सो डायरेक्टली हम यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं. ओके देन आई विल राइट इट हियर. सो ये हमारा हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं सेकंड चाइल्ड के लिए, देन यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं हमारे फोर्थ चाइल्ड के लिए. ओके आई विल गिव सम पैडिंग फ्रॉम बॉटम, लेट्स से 20 पिक्सल. राइट देन इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके जो होम के अंदर जो आपके प्रोफेशन है, दिस इज अ प्रोफेशन, वहाँ पे हमने जो आइकन्स यूज किए हैं उसका जो फोन साइज है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं, लेट्स से 3.8 आ रही है, राइट. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके प्रोफेशन के अंदर जो आपने S3 टैग यूज किया था प्रोफेशन नेम के लिए, सो उसके लिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं दैट इज प्रोफेशन, दैट इज H3 टैग, राइट. तो इसका जो फॉन्ट साइज है उसको हम कर लेते हैं, लेट्स से 3.2 आरईएम, राइट. देन आई विल गिव सम लाइन हाइट, लेट्स से 1. ओके सो यहाँ पे हम इसका जो फॉन्ट वेट है उसको इंक्रीज कर देते हैं, लेट्स से 600. सो यू कैन सी द डिफरेंस हियर. ओके देन हमें क्या करना है, इसको सर्कल में लेके आना है. सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं होम के अंदर जो आपका प्रोफेशन बॉक्स है, ओके और उसके अंदर हमने एक डिव क्रिएट किया था सर्कल क्लास नेम का, और उसकी जो विड्थ है उसको मेंशन कर देते हैं, लेट्स से 560 पिक्सल. ओके देन आई विल गिव सम हाइट, लेट्स से 560 पिक्सल. ओके और इसकी जो बॉर्डर रेडियस है उसको मैं कर देती हूँ 50%. देन जो जेड इंडेक्स है उसको मैं कर लेती हूँ -1.
ओके, देन आई विल गिव सम बॉर्डर, लेट्स से 3 पिक्सल सॉलिड वेयर, दैट इज माय मेन कलर. ओके, सो आप देख सकते हो ये जो आपका सर्कल है, राइट. देन हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, हमने एक डी और क्रिएट किया था ओवरले क्लास नेम का, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं ओवरले. ओके, सो उसकी जो पोजीशन है उसको मैं रख लेती हूँ एब्सोल्यूट, ठीक है. इसकी पोजीशन को हमने एब्सोल्यूट कर दिया, और जहाँ टॉप से मैं कर देती हूँ इसको 0, राइट, और राइट से भी मैं इसको 0 कर देती हूँ. ओके, और इसकी विड्थ को मैं मेंशन कर देती हूँ 0, देन आई विल गिव सम हाइट, लेट्स से 0. ओके, सो यहाँ पे हम बॉर्डर ऐड कर देते हैं फ्रॉम टॉप से, लेट्स से 50 VH सॉलिड मेन कलर. ओके, देन आई विल गिव सम बॉर्डर फ्रॉम राइट, लेट्स से 384 पिक्सल सॉलिड, दैट इज माय मेन कलर. ओके, देन आई विल गिव सम बॉर्डर, लेट्स से फ्रॉम बॉटम. ओके, देन हियर आई विल राइट 50 VH सॉलिड वेयर, दैट इज माय मेन कलर. ओके, देन आई विल गिव सम बॉर्डर फ्रॉम लेफ्ट डायरेक्शन, लेट्स से 384 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट. ओके, सो लेट्स सी. सो ये जो आपका नेवबार है वो तो आपका रेडी है, बट अभी हमें इसमें चेंज सबसे पहले देख लेते हैं. सो जो आपका प्रोफेशन है वो आई थिंक एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड कर रहा है, तो हमें आई थिंक इसको एडजस्ट करना पड़ेगा. लेट्स सी कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की है. सो वी विल कम ऑन अवर प्रोफेशन. ओके, सो जो इसकी पोजीशन है, या तो यहाँ पे हमें कैट यूज करना है. सो आप देख सकते हो नाउ. ओके, सो आपका नैव बार रेडी है, आपका जो होम सेक्शन है वो भी आपका रेडी है. ओके, सो अभी हमें क्या करना है, इसके इमेज को एडजस्ट करना है. तो यहाँ पे हम इसकी इमेज को एडजस्ट कर लेते हैं, राइट. देन आपका जो होम सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, होम सेक्शन की इमेज. सो हियर आई विल राइट इमेज. ओके, सो इसकी पोजीशन को हम कर देते हैं एब्सोल्यूट, जो आपकी इमेज है, राइट. देन यहाँ पे हम बॉटम से कर देते हैं उसको 0. ओके, और हमें इसको राइट में फिक्स करना है, तो यहाँ पे हम राइट से कर देते हैं इसको 40 पिक्सल. ओके, देन यहाँ पे जो इसका पॉइंटर इवेंट्स है उसको हम कर देंगे नन, राइट. देन इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है उसको मैं रख लेती हूँ लेट्स से 480 पिक्सल. ओके, देन आई विल गिव सम मैक्सिमम हाइट, लेट्स से 100 VH. सो नाउ यू कैन सी, सो आपका जो होम सेक्शन है वो आपका रेडी है. ये आपका लैपटॉप स्क्रीन पे अभी बिल्कुल करेक्ट है. हम इसका जो रिस्पॉन्सिवनेस है उसको हम बाद में देखेंगे. सो नाउ वी विल कम ऑन अवर अबाउट मी सेक्शन. ओके, सो जो आपके जितने भी सेक्शन है उसमें हमने स्पैन टैग यूज किया था, बिकॉज हर एक सेक्शन का जो नेम है वो आपके डिफरेंट कलर में है. तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं स्पैन, ठीक है. तो इसके कलर को हम मेंशन कर देंगे, दैट इज माय मेन कलर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो. सो आपको जो आपका मी है, माय सर्विसेज में जो आपका सर्विसेज है, लेटेस्ट प्रोजेक्ट में जो आपका प्रोजेक्ट है वो चेंज हो चुका है, राइट. देन इसके बाद हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं हमारा अबाउट अस सेक्शन के लिए. सो हियर आई विल राइट अबाउट, और इसका जो डिस्प्ले है उसको हम कर देंगे फ्लेक्स. ओके, जस्टिफाई कंटेंट को हम कर देते हैं सेंटर में, और जब का अलाइन आइटम्स है उसको भी हम कर देंगे सेंटर में, ठीक है. देन आई विल गिव सम गैप हियर, लेट्स से 4 rem. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो. सो जो आपका कंटेंट है और जो आपकी इमेज है वो आपकी रो में आ चुकी है, राइट. देन इसके बाद हमें इसकी इमेज को एडजस्ट करना है. सो हियर आई विल राइट, दैट इज माय अबाउट इमेज. ओके, सो इसकी जो विड्थ है उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं लेट्स से 40. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो अबाउट मी सेक्शन है, राइट. देन हमें इसकी हेडिंग को एडजस्ट करना है, जितने भी आपके सेक्शन है. ओके, सो इसका जो फोन साइज है उसको हम रख लेते हैं लेट्स से 4.5 rem, और जो इसका टेक्स्ट लाइन है उसको हम कर देंगे सेंटर में. सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, राइट. हेडिंग के बाद जो आपने H2 टैग यूज किया था दिस पार्ट उसके लिए, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं दैट इज अबाउट कंटेंट,
ओके सो अबाउट कंटेंट के अंदर जो आपका H2 टैग हमने यूज किया था उसका उसको हम कर देते हैं लेट्स से 1.2 राइट। सो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज माय, सो ये आपका होम सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। देन हम अपने अबाउट सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे हमने H2 टैग यूज किया था अबाउट मी के लिए ओके और S3 टैग राइट। सो हियर आई विल राइट, तो जो आपका अबाउट कंटेंट है अबाउट कंटेंट के अंदर जो आपने S3 टैग यूज किया है ओके इसका जो फॉन्ट साइज है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं लेट्स से 2 RM राइट। और जो आपने पैराग्राफ राइट किया था अबाउट कंटेंट के अंदर उसका जो फॉन्ट साइज है उसको हम रख लेते हैं लेट्स से 1.6 ओके। देन आई विल गिव सम मार्जिन फ्रॉम टॉप लेट्स से 2 RM, फ्रॉम लेफ्ट आई विल गिव 0 एंड फ्रॉम बॉटम आई विल गिव 3 RM ओके। सो यू कैन सी राइट। देन हम जो आपका अबाउट सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है लेट्स सी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज योर नेव बार, दिस इज योर होम सेक्शन एंड दैट इज योर अबाउट मी सेक्शन। उसके बाद हम अपने माई सर्विसेज सेक्शन पे आते हैं राइट। सो हियर आई विल राइट सर्विसेज ओके। सो इसकी जो मिनिमम हाइट है उसको हम कर लेते हैं ऑटो ओके। देन आई विल गिव सम पैडिंग फ्रॉम बॉटम लेट्स से दैट इज 10 RM ओके। सो दिस इज ऑल्सो कम्प्लीट। अब हमें क्या करना है, सो सर्विसेज के अंदर जो हमने S2 टैग यूज किया था सो उसको अभी यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। सो हियर आई विल राइट जो आपका सर्विसेज है सर्विसेज के अंदर जो आपने S2 टैग यूज किया था ओके। सो उसके अंदर हम मार्जिन ऐड कर देते हैं फ्रॉम बॉटम लेट्स से 5 RM ओके। सो माय सर्विसेज के नीचे आपकी जो बॉटम है जो मार्जिन है वो ऐड हो चुकी है। देन हम क्या करेंगे, जो आपके सर्विसेज के अंदर जो आपने सर्विसेज कंटेनर यूज किए थे दैट इज 3 सर्विसेज हमने यूज किए थे। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं सर्विसेज और सर्विसेज के अंदर जो आपके सर्विसेज कंटेनर नेम की जो हमने क्लास बनाई थी डिस्प्ले को हम कर देंगे फ्लैक्स। मुझे इसको रो में लेके आना है ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट को हम कर देंगे सेंटर, तो ये आपके रो में आ चुके कम्प्लीटली। और अलाइन आइटम्स को भी हम कर देंगे इसमें सेंटर ठीक है। देन फ्लैक्स रैप को हम कर देते हैं रैप ओके। देन आई विल गिव सम गैप लेट्स से 2 RM ओके। देन जो आपका सर्विसेज कंटेनर है ओके उसके अंदर यहाँ पे हमने 3 सर्विसेज बॉक्स बनाए थे। सो हियर आई विल राइट सर्विसेज बॉक्स ओके। सो आई विल गिव सम फ्लैक्स लेट्स से 30 RM ओके। देन आई विल गिव सम बैकग्राउंड कलर ओके दैट इज माई बीजी कलर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ओके दैट इज योर सर्विसेज सेक्शन। देन आई विल गिव सम पैडिंग ओके फ्रॉम टॉप आई विल गिव 3 RM, फ्रॉम राइट आई विल गिव 2 RM एंड फ्रॉम बॉटम आई विल गिव 4 ओके। देन आई विल एड सम बॉर्डर रेडियस ओके। सो बॉर्डर रेडियस हम ऐड कर देते हैं लेट्स से 2। देन आई विल गिव सम बॉक्स शैडो लेट्स से 0.1। देन आई विल गिव 0.5 ओके। और अभी इसमें हम कलर ऐड कर देंगे दैट इज माय शैडो कलर ओके। सो हियर आई विल राइट दैट इज माय शैडो कलर। सो यहाँ पे हमें शैडो ओके। देन बॉक्स शैडो के बाद हमें इसका जो टेक्स्ट है उसको सेंटर में करना है, तो यहाँ पे हम इसका जो टेक्स्ट है उसको सेंटर में कर देते हैं। सो यू कैन सी द डिफरेंस हियर ओके। सो टेक्स्ट आपका सेंटर में हो चुका है। देन हमें यहाँ पे बॉर्डर ऐड करनी है टॉप से। सो हियर आई विल ऐड बॉर्डर फ्रॉम टॉप लेट्स से 0.6 RM ओके। देन हियर आई विल राइट सॉलिड दैट इज माय मेन कलर ओके। और सिमिलरली हमें यही बॉर्डर हमें बॉटम में भी ऐड करनी है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 0.6 RM दैट इज सॉलिड एंड आई विल गिव माय मेन कलर ओके। देन आई विल ऐड सम ट्रांजिशन हियर लेट्स से 0.5 सेकेंड ओके।
सो दिस पार्ट इज ऑल्सो कम्प्लीट. सो आपके जो थ्री सर्विसेज बॉक्स हैं वो आपके क्रिएट हो चुके हैं, और आपकी जो बॉर्डर है वो भी ऐड हो चुकी है, राइट. अब इसके बाद हम क्या राइट करेंगे, सो जब भी आप अपनी सर्विसेज पे होवर करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज योर वेबसाइट. ओके, सो ये आपका सर्विसेज सेक्शन है. सो व्हेन यू होवर ऑन योर सर्विसेज बॉक्स, तो आपको क्या करना है, इसमें बॉक्स शैडो ऐड करनी है और इसमें कुछ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ऐड करनी है. सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं. ओके, सो हेयर आई विल राइट सर्विसेज बॉक्स, और सर्विसेज बॉक्स पे जब आप होवर करोगे, ओके, देन इसकी जो बॉक्स शैडो है उसे आपको चेंज करना है. सो हेयर आई विल राइट 0.1, देन आई विल गिव 2, एंड आई विल गिव सम शैडो कलर. ओके, देन यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी और ऐड करनी है, दैट इज स्केल, देन आई विल गिव लेट्स से 0.1, 1.02. सो यू कैन सी द डिफरेंस हियर. ओके, देन यहाँ पे जो आपके सर्विसेज बॉक्स के अंदर जो आपने आइकन्स यूज किए थे उसका फॉन्ट हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं. सो हेयर आई विल राइट फॉन्ट साइज. ओके, सो आई विल गिव लेट्स से 7. ओके, सो यू कैन सी द डिफरेंस हियर, राइट. और इसका जो कलर है उसको हम कर देते हैं हमारा, दैट इज मेन कलर. ओके, सो ये आपका जो आइकन पार्ट है वो भी रेडी हो चुका है. देन यहाँ पे हमने जो H3 टैग यूज किया था फॉर ग्राफिक डिजाइन डिजिटल मार्केटिंग, सो उसके लिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, दैट इज माई सर्विसेज बॉक्स, और सर्विसेज बॉक्स के अंदर जो आपका H3 टैग हमने यूज किया था. ओके, सो इसका जो फोन साइज है उसको मेंशन कर देते हैं, लेट्स से 2.6. ओके, देन आई विल गिव सम ट्रांजिशन, लेट्स से 0.5. ओके, सो दिस इज ऑल्सो कम्प्लीट, राइट. देन यहाँ पे हमें राइट करना है क्या, कि जब हम अपने सर्विसेज बॉक्स पे होवर करेंगे सो जो आपका H3 टैग है उसका कलर हमें चेंज करना है. सो हेयर आई विल राइट दैट इज माई मेन कलर. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो. सो यहाँ पे हम अब इसका जो पैराग्राफ हमने जो यूज किया था सो उसके लिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, दैट इज सर्विसेज बॉक्स. सर्विसेज बॉक्स के अंदर जो आपका पैराग्राफ है उसका फॉन्ट साइज हम रख लेते हैं, लेट्स से 1.6 आरियन. ओके, देन आई विल गिव सम मार्जिन, फ्रॉम टॉप आई विल गिव लेट्स से 1, एंड फ्रॉम लेफ्ट आई विल गिव 0, एंड फ्रॉम बॉटम आई विल गिव 3 आरियन. ओके, सो जो आपका सर्विसेज सेक्शन है वो भी आपका रेडी हो चुका है, राइट. देन इसके बाद हम आते हैं अपने पोर्टफोलियो सेक्शंस पे. ओके, सो हेयर आई विल राइट पोर्टफोलियो. ओके, तो इसकी जो मिनिमम हाइट है उसको हम कर लेते हैं ऑटो, राइट. देन आई विल गिव सम बोट पैडिंग फ्रॉम बॉटम, लेट्स से 10. ओके, सो जो आपका पोर्टफोलियो सेक्शन है, पोर्टफोलियो के अंदर जो आपने H2 टैग यूज किया था फॉर हेडिंग, उसके लिए हम यहाँ पे बॉर्डर मार्जिन ऐड कर देते हैं बॉटम में, लेट्स से 4. ओके, देन इसके बाद हमें क्या करना है, जो आपका पोर्टफोलियो कंटेनर हमने राइट किया था, दैट इज योर पोर्टफोलियो कंटेनर. ओके, सो उसका जो डिस्प्ले है उसको हम कर देते हैं ग्रिड, राइट. और जो इसका ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं रिपीट 3, 1. ओके, देन यहाँ पे जो उसका अलाइन आइटम्स है उसको हम कर देते हैं सेंटर में. ओके, देन आई विल गिव सम गैप, लेट्स से 2.5. सो दिस इज योर टेस्टिमोनियल सेक्शन. ओके, सो टेस्टिमोनियल सेक्शन आपका स्लाइड क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑलरेडी हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर स्वाइपर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी का यूज किया है. सो ये आपका लेटेस्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है, राइट. देन यहाँ पे आपका आपने क्या किया है, इसमें आपने पोर्टफोलियो कंटेनर में आपने राइट कर दिया है. उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका पोर्टफोलियो कंटेनर है उसके अंदर आपने पोर्टफोलियो बॉक्स नेम क्लास की एक डिव क्रिएट किया था. सो हेयर आई विल राइट पोर्टफोलियो बॉक्स. ओके, सो उसकी जो पोजिशन है उसको हम कर देते हैं रिलेटिव. सो हेयर आई विल राइट रिलेटिव. ओके, देन डिस्प्ले हम राइट कर लेते हैं फ्लैक्स. आई विल गिव सम बॉर्डर रेडियस, लेट्स से 2. ओके, सो यहाँ पे हम बॉक्स शेडो भी ऐड कर देते हैं.
राइट, देन ओवरफ्लो को हम कर देंगे यहाँ पे हिडन। ओके सो आप देख सकते हो ये जो आपका लेटेस्ट प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपकी इमेज आ चुकी है, हमें इसकी इमेज को भी करेक्ट करना है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं पोर्टफोलियो बॉक्स, और पोर्टफोलियो बॉक्स के अंदर जो आपकी इमेज है, ओके सो इसकी जो विड्थ है इमेज की उसको हम कर देंगे कंप्लीट, दैट इज 100%। ओके देन आई विल गिव सम ट्रांजिशन, लेट्स से 0.5 सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपके लेटेस्ट प्रोजेक्ट, जो आपकी इमेज है वो आपकी कंप्लीट आ चुकी है, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, सो हमें जो इमेज पे जब हम होवर करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ टेक्स्ट भी राइट करना है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं दैट इज पोर्टफोलियो बॉक्स, पोर्टफोलियो बॉक्स पे जब हम क्या करेंगे होवर करेंगे, ओके सो जो इमेज है ठीक है उसमें हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ऐड करनी है, दैट इज स्केल। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 1.1। सो यहाँ पे मैं इसको दिखा देती हूँ, सो यू कैन सी द डिफरेंस हियर, ओके। सो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आपके टेक्स्ट थे, सो यहाँ पे मैं आपको शो करवा देती हूँ, दिस इज योर, सो व्हेन यू क्लिक ऑन योर प्रोजेक्ट, सो यहाँ पे आपकी जो टेक्स्ट है उसको हमें विजिबल करवाना है, ओके। सो उसके क्लास नेम को हमने मेंशन किया था, दैट इज पोर्टफोलियो लेयर, ओके। सो हियर आई विल राइट पोर्टफोलियो बॉक्स, पोर्टफोलियो बॉक्स के अंदर जो आपका पोर्टफोलियो लेयर था, पोर्टफोलियो लेयर क्लास नेम के हमने जो डिव क्रिएट किया था उसकी पोजिशन को हम कर देंगे एब्सोल्यूट, ओके। देन यहाँ पे हम बॉटम से कर देंगे 0 इसको, और लेफ्ट साइड से भी हम 0 मेंशन कर देंगे, और इसकी जो विड्थ है उसको हम कंप्लीट रखेंगे, दैट इज 100%। देन यहाँ पे हम बैकग्राउंड ऐड कर देंगे, लेट्स से लीनियर ग्रेडियंट, ओके। सो हियर आई विल राइट That is my main color. Okay? So, यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके राइट। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कलर भी मेंशन करना है, सो हियर आई विल राइट कलर, दैट इज माई वाइट कलर, ओके। देन डिस्प्ले को हम कर देंगे फ्लैक्स, राइट, और जस्टिफाई कंटेंट को हम कर देंगे सेंटर में, और अलाइन आइटम्स को भी हम यहाँ पे राइट कर देंगे, दैट इज सेंटर, ओके। और जो फ्लैक्स डायरेक्शन है उसको हम कर देंगे कॉलम, राइट। देन जो इसका टेक्स्ट लाइन है उसको हम कर देंगे सेंटर में, सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है, राइट। अभी हमें इसमें थोड़ा सा बॉटम में पैडिंग भी ऐड करनी है, सो यहाँ पे हम पैडिंग ऐड कर देते हैं, ओके। सो आई विल गिव 0 फ्रॉम टॉप और बॉटम, एंड देन लेफ्ट टू राइट आई विल गिव 4 rem, ओके। सो इनिशियली मुझे इसको हाइड करना है, जो आपका कंटेंट है मुझे हाइड रखना है, और जब हम इस पे होवर करेंगे तभी मुझे इसे विजिबल करवाना है, ठीक है। तो इनिशियली हम इसको हाइड कर देते हैं, तो इसकी ओपेसिटी को हम कर देंगे 0, तो ये जो आपका कंटेंट है वो आपका हाइड हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे हम इसमें ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं, सो हियर आई विल राइट ट्रांजिशन, लेट्स से 0.5 सेकेंड, ओके। सो इसके बाद हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, जब हम इस पे होवर करेंगे तभी हमें इसकी ओपेसिटी 1 करवानी है, सो हियर आई विल राइट दैट इज पोर्टफोलियो बॉक्स पे जब हम होवर करेंगे, सो जो आपका पोर्टफोलियो लेयर है उसकी ओपेसिटी को हम कर देंगे 1। तो यहाँ पे हम राइट कर देख सकते हैं, ओके। सो दिस इज कंप्लीट नाउ। अब हमें क्या करना है, जो आपका पोर्टफोलियो लेयर के अंदर, तो आपका जो पोर्टफोलियो लेयर के अंदर जो आपने यहाँ पे H4 टैग यूज किया था, ओके फॉर वेब डिजाइनिंग, ओके राइट। तो यहाँ पे हम इसका जो फॉन्ट साइज है उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, लेट्स से 3 rem, राइट। देन यहाँ पे हम इस पैराग्राफ के लिए भी राइट कर लेते हैं, सो हियर आई विल राइट पोर्टफोलियो लेयर, देन आई विल गिव सम पैराग्राफ, सो हियर आई विल राइट फॉन्ट साइज, सो जो पैराग्राफ है उसका फॉन्ट साइज हम रख लेते हैं, लेट्स से 1.6 rem। देन आई विल गिव सम मार्जिन, फ्रॉम टॉप आई विल गिव 3.3 rem, फ्रॉम लेफ्ट आई विल गिव 0, एंड फ्रॉम बॉटम आई विल गिव 1 rem।
सो नाउ इट इज कंप्लीट। अभी हमें क्या करना है, जो पोर्टफोलियो लेयर के अंदर जो हमने एंकर टैग यूज किया था फॉर एक्सटर्नल लिंक, सो यहाँ पे हम उसके लिए राइट कर लेते हैं, डेट इज पोर्टफोलियो लेयर। सो एंकर टैग के लिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, उसका जो डिस्प्ले है उसको हम कर देंगे इनलाइन फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट को हम कर देंगे सेंटर में, अलाइन आइटम्स को भी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं सेंटर। ओके, और इसकी जो विड्थ है उसको हम कर देंगे 5 RM, और जो हाइट है उसको भी हम कर देंगे 5 RM। ठीक है, देन जो इसका बैकग्राउंड है उसको हम चेंज कर देते हैं। ओके, लेट से दैट इज माई वाइट कलर, देन आई विल गिव सम बॉर्डर रेडियस, लेट से 50%। ओके, देन जो आपका पोर्टफोलियो लेयर है, पोर्टफोलियो लेयर के अंदर जो आपका एंकर टैग और उसके अंदर जो आपने आइकन यूज किया था उसका फॉन्ट साइज हम राइट कर लेते हैं, लेट से 2 RM, और इसका जो कलर है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ओके, सो दिस पार्ट इज कंप्लीट, लेट्स इसको हम ओपन करके एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका होम सेक्शन, अबाउट मी सेक्शन, माई सर्विसेज सेक्शन, राइट, एंड दिस इज योर टेस्टिमोनियल सेक्शन। सो इनिशियली आपका होम सेक्शन विजिबल है, राइट, देन हम आते हैं अपने टेस्टिमोनियल सेक्शन में और इसके जो CSS है उसको डिजाइन करते हैं। ओके, सो जो आपका टेस्टिमोनियल सेक्शन है उसके अंदर जो हमने टेस्टिमोनियल कंटेनर राइट किया था, सो हियर आई विल राइट टेस्टिमोनियल कंटेनर। ओके, सो इसका जो डिस्प्ले है उसको हम कर देंगे फ्लैक्स, अलाइन आइटम्स को हम कर देंगे सेंटर में, और जो आपका कंटेंट कंटेंट है मुझे उसे कॉलम में लेके आना, सो हियर आई विल राइट फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, और इसकी जो विड्थ है उसको हम रखेंगे कंप्लीट, डेट इज 100%। देन आई विल गिव सम पैडिंग, एंड फ्रॉम टॉप और बॉटम आई विल गिव 5 RM, एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आई विल गिव 1। सो दिस इज योर टेस्टिमोनियल सेक्शन। ओके, सो ये आपका टेस्टिमोनियल्स कंटेनर हो गया। देन यहाँ पे टेस्टिमोनियल कंटेनर के अंदर जो आपने एक डिव क्रिएट किया था, डेट इज टेस्टिमोनियल रैपर, सो इसकी जो पोजीशन है उसको हम कर देंगे रिलेटिव, और जो इसकी मैक्सिमम विड्थ है उसको हम रख लेंगे, डेट इज 90 RM। ठीक है, और जो इसकी विड्थ है उसको हम कंप्लीट कर देंगे 100%। देन आई विल गिव सम पैडिंग, लेट्स से 5। ओके, सो विड्थ हमने 100% रखी है, देन आई विल गिव सम पैडिंग, लेट्स से 5 RM। ओके, सो दिस इज ऑल्सो कम्प्लीट। देन हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, डेट इज नेक्स्ट पार्ट पे। सो जो आपके टेस्टिमोनियल रैपर के अंदर जो हमने टेस्टिमोनियल बॉक्स क्रिएट किए थे, सो उसके लिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, डेट इज टेस्टिमोनियल रैपर, एंड हियर आई विल राइट टेस्टिमोनियल बॉक्स। ओके, सो यहाँ पे हम पैडिंग ऐड कर देते हैं, लेट से 1 RM। ओके, देन आई विल गिव सम बॉर्डर रेडियस, ओके लेट से 2। देन जो इसका ओवरफ्लो है उसको हम कर देंगे हिडन, सो यू कैन सी द डिफरेंस हियर। ओके, सो अभी हम इसके इमेज को टेक्स्ट को चेंज करना है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं टेस्टिमोनियल कंटेंट, सो हियर आई विल राइट जो आपका टेस्टिमोनियल कंटेंट है। ओके, और उसके अंदर जो आपका टेस्टिमोनियल स्लाइड है, सो हियर आई विल राइट टेस्टिमोनियल स्लाइड। ओके, दैट इज टेस्टिमोनियल स्लाइड। तो यहाँ पे डिस्प्ले को हम कर देंगे फ्लैक्स, अलाइन आइटम्स को हम कर देंगे सेंटर में। ओके, तो ये जो आपका डेटा है, कंटेंट है, इसे मुझे कॉलम में लेके आना है, ये अभी रो में है, तो यहाँ पे हम इसका फ्लैक्स डायरेक्शन कर देते हैं कॉलम। ओके, और यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं, लेट्स से दैट इज माई बिजी कलर, बैकग्राउंड कलर। ओके, देन आई विल गिव सम बॉर्डर रेडियस, लेट्स से 2। ठीक है, देन हमें क्या करना है, इसमें हमें बॉक्स शेडो भी ऐड करनी है, सो हियर आई विल राइट सम बॉक्स शेडो, तो यहाँ पे हमारा शेडो कलर आ जाएगा। ओके, देन हम देंगे इसमें थोड़ा लिटिल बिट
padding from top I will give 3 rem and from left to right I will give 5. ओके देन यहाँ पे हम बॉर्डर ऐड कर देते हैं फ्रॉम टॉप और बॉटम से. सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका टेस्टिमोनियल सेक्शन है इसमें आपके बॉर्डर ऐड है टॉप और बॉटम में. तो यहाँ पे हमें बॉर्डर ऐड करनी है. ओके सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 0.8 rem सॉलिड दैट इज माय मेन कलर. ओके सो सिमिलरली हमें क्या ऐड करनी है, हमें बॉर्डर ऐड करनी है बॉटम में. सो यहाँ पे हम टॉप की जगह राइट कर लेते हैं बॉटम. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉटम में आपकी ऐड हो चुकी है, दैट इज योर टेस्टिमोनियल सेक्शन. अभी हमें इसके इमेज को और इसके टेक्स्ट को चेंज करना है जो इसका पैराग्राफ है. ओके सो इसकी इमेज को हम चेंज कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं दैट इज टेस्टिमोनियल स्लाइड और उसके अंदर जो आपकी इमेज है ठीक है, तो उसकी विड्थ को हम रख लेंगे 14 राइट और जो इसकी हाइट है उसको हम रख लेंगे 14 दैट इज सेम राइट. देन यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट फिट दैट इज कवर. ओके देन हमें जो इमेज है उसको सर्कल में लेके आना है. तो यहाँ पे हम बॉर्डर रेडियस 50% कर देंगे. देन आई विल गिव सम बॉर्डर लेट्स से 0.5 rem सॉलिड वेयर दैट इज माय बेसिक कलर. ओके देन आई विल गिव सम आउटलाइन लेट्स से 0.5. ओके 0.5 rem सॉलिड एंड दैट इज माय मेन कलर. तो आपकी जो इमेज है इसमें आपकी आउटलाइन में ऐड हो चुकी है मेन कलर और बॉर्डर भी आपकी ऐड हो चुकी है राइट. इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपने H3 टैग यूज किया था आपके टेस्टिमोनियल सेक्शन के अंदर जो नेम आपके मेंशन है उसके लिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं. सो हेयर आई विल राइट टेस्टिमोनियल स्लाइड और उसके अंदर जो आपने H3 टैग यूज किया था फॉर नेम. सो इसका फॉन्ट साइज हम इंक्रीज कर देते हैं लेट्स से 2.5 rem राइट. देन आई विल गिव सम मार्जिन फ्रॉम टॉप और बॉटम आई विल गिव 2 rem ठीक है और लेफ्ट टू राइट से हम रखते हैं 0. सो यू कैन सी इसका जो नेम है. देन हमें इसका पैराग्राफ को भी चेंज करना है. ओके सो इसके टेक्स्ट को हमें सेंटर में लेके आना है. तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं दैट इज टेस्टिमोनियल स्लाइड और इसके अंदर जो आपका पैराग्राफ है उसका जो टेक्स्ट लाइन है उसको हम कर देंगे सेंटर में ठीक है. तो ये आपका टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है. देन आई विल गिव सम फॉन्ट साइज सो लेट्स से 1.4. ओके सो जो आपका टेस्टिमोनियल सेक्शन है वो भी आपका रेडी है. देन हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. सो अभी हमें क्या करना है, जो आपके बटन है बॉटम में दैट इज नेक्स्ट बटन एंड प्रीवियस बटन. सो उसके लिए यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं दैट इज टेस्टिमोनियल बॉक्स. टेस्टिमोनियल बॉक्स के अंदर जो आपके स्वाइपर बटन है दैट इज नेक्स्ट. ओके तो उसका कलर हम चेंज कर देते हैं दैट इज माय मेन कलर. ओके एंड यहाँ पे हम सिमिलरली क्या करेंगे, ये जो आपका टेस्टिमोनियल सेक्शन है यहाँ पे हम प्रीवियस बटन के लिए भी करेंगे. सो हियर आई विल राइट प्रीवियस. ओके सो दिस पार्ट इज ऑल्सो कम्प्लीट. अभी हमें क्या करना है, जो आपका नेक्स्ट बटन है उसको मुझे राइट से जीरो करना है, उसकी जो पोजीशन है. ओके सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं टेस्टिमोनियल बॉक्स. सो टेस्टिमोनियल बॉक्स के अंदर जो आपका स्वाइपर बटन है डेट इज नेक्स्ट, उसको हम नेक्स्ट बटन को राइट से कर देते हैं जीरो और जो आपका प्रीवियस बटन है उसको हम क्या करेंगे लेफ्ट से जीरो कर देंगे ठीक है. सो टेस्टिमोनियल बॉक्स जो आपका स्वाइपर बटन है डेट इज प्रीवियस, उसको हम लेफ्ट से क्या कर देंगे जीरो ठीक है. देन जो आपका थर्ड बटन है डेट इज पेजिनेशन, उसके लिए यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डेट इज टेस्टिमोनियल बॉक्स के अंदर जो आपका थर्ड बटन है डेट इज स्वाइपर पेजिनेशन. सो उसका हम एक बार चेक कर लेते हैं. सो दिस इज माई होम सेक्शन, दिस इज कम्प्लीट. सो अबाउट दिस सेक्शन भी कम्प्लीट. सो ये दिस इज माई टेस्टिमोनियल सेक्शन. ओके तो यहाँ पे लास्ट में स्वाइपर पेजिनेशन,
ओके सो यहाँ पे हम इसका राइट कर लेते हैं, लेट्स से बुलेट। ओके देन हियर आई विल राइट स्वाइपर पेजिनेशन बुलेट, और इसका जो बैकग्राउंड है वो हम चेंज कर देंगे। ओके सो हियर आई विल राइट ओके अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो आपका टेस्टिमोनियल सेक्शन है वो आपका रेडी है। अब हमें क्या करना है, जो आपका कॉन्टैक्ट का पेज है उसे हमें कलेक्ट करना है। ठीक है, तो जो आपका कॉन्टैक्ट का जो सेक्शन है उसकी जो मिनिमम हाइट है उसको हम रख लेते हैं ऑटो। सो हियर आई विल राइट ऑटो राइट। देन यहाँ पे हम इसमें पैडिंग ऐड कर देते हैं फ्रॉम बॉटम से। सो हियर आई विल राइट पैडिंग बॉटम लेट्स से 7। ओके सो लेट्स चेक। ओके सो इसके लिए कॉन्टैक्ट के अंदर जो आपका फॉर्म है तो इसकी जो मैक्स विड्थ है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं लेट्स से 70। ओके देन आई विल गिव सम मार्जिन इन माय फॉर्म 1 RM एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आई विल गिव ऑटो। ओके सो इसका जो टेक्स्ट लाइन है उसको हम कर देंगे सेंटर में। ये आपका जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो आपका सेंटर में आ चुका है। देन व्हेन आई विल गिव सम मार्जिन फ्रॉम बॉटम लेट्स से 3। ओके सो जो आपका कॉन्टैक्ट के अंदर जो आपका फॉर्म है उसके अंदर जो आपके इनपुट बॉक्स हमने क्रिएट किए थे, ओके सो इनके बीच में हमें स्पेस ऐड करना है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं दैट इज माई इनपुट बॉक्स। ओके सो इसका जो डिस्प्ले है उसको हम कर देंगे फ्लैक्स राइट, और जो जस्टिफाई कंटेंट है यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं दैट इज स्पेस बिटवीन। ओके देन आई विल गिव फ्लैक्स रैप, यहाँ पे हम कर देंगे रैप। ओके सो जो आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म है कॉन्टैक्ट के अंदर जो आपने H2 टैग यूज किया था कॉन्टैक्ट मी के लिए उसमें हमें थोड़ा सा मार्जिन ऐड करना है बॉटम से। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के अंदर जो आपका H2 टैग है आई विल गिव सम मार्जिन फ्रॉम बॉटम लेट्स से 3। ओके सो इसके बाद हम राइट कर लेते हैं इनपुट बॉक्स के अंदर जो आपने इनपुट्स यूज किए थे। सो हेयर आई विल राइट इनपुट बॉक्स के अंदर जो आपके इनपुट्स हैं। ओके सो उसके लिए हम क्या राइट करेंगे, तो उसकी जो विड्थ है उसको हम कंप्लीट रखते हैं दैट इज 100%। सो यू कैन सी द डिफरेंस, विड्थ आपकी 100% हो चुकी है। देन आई विल गिव सम पैडिंग लेट्स से 1.5। ओके सो इसका जो फॉन्ट साइज है उसको हम मेंशन कर देते हैं लेट्स से 1.6। ओके देन आई विल गिव सम कलर लेट्स से दैट इज माय टेक्स्ट कलर, सो ये आपका टेक्स्ट कलर हो जाएगा। देन आई विल गिव सम बैकग्राउंड कलर। ओके सो आपका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम रख लेते हैं दैट इज माय दिस बैकग्राउंड कलर। ओके सो आई विल गिव सम बॉर्डर रेडियस लेट्स से 0.8। ओके देन आई विल एड सम मार्जिन फ्रॉम टॉप आई विल गिव 0.7 एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आई विल गिव 0। ओके देन आई विल एड सम बॉक्स शेडो, सो बॉक्स शेडो हम ऐड कर देते हैं टॉप से 0। देन आई विल राइट 0.1 RM, देन हेयर आई विल राइट 0.5 RM, आई विल गिव कलर डेट इज शेडो कलर। ओके सो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म है तो ये जो आपका टेक्स्ट एरिया इसमें भी मुझे सेम CSS राइट करनी है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका टेक्स्ट एरिया है सो हियर आई विल राइट टेक्स्ट एरिया। ओके सो ये आपका आ चुका है जो आपका फॉर्म है। ओके सो नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टी राइट कर लेते हैं इनपुट्स के लिए। ओके सो यहाँ पे हम जो आपके इनपुट बॉक्स के अंदर जो आपके इनपुट्स हैं
ठीक है, उसकी विड्थ को हम कर लेते हैं 45%। तो यहाँ यू कैन सी द डिफरेंस हियर, तो इसकी जो विड्थ है वो 45% हो चुकी है, राइट। सो आई थिंक इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, लेट्स से 49, नाउ इट इज करेक्ट, राइट। और जो इसका टेक्स्ट एरिया है उसको भी हम चेंज कर लेते हैं, लेट्स से दिस इज माय टेक्स्ट एरिया, ओके। सो इसका जो रिसाइज है यहाँ पे हम कर देते हैं नन, इसको हमें रिसाइज नहीं करना, ओके। देन वी विल कम ऑन अवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज बटन। सो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर जो आपका बटन है, मुझे इसमें थोड़ा सा मार्जिन ऐड करना है टॉप से, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आपका फॉर्म है और इसके अंदर जो आपका बटन है, ठीक है। आई विल एड सम मार्जिन फ्रॉम टॉप, लेट्स से 2, ओके। और कर्सर को हम कर देते हैं पॉइंटर। सो जो आपका कॉन्टैक्ट मी सेक्शन है वो भी आपका रेडी हो चुका है, राइट। देन आते हैं हम अपने फूटर पार्ट पे और आपका फूटर पार्ट हम डिजाइन करते हैं, ओके। सो जो आपका फूटर सेक्शन था उसकी क्लास हमारी क्या थी, फूटर। सो इसका जो डिस्प्ले है उसको हम कर देते हैं फ्लैक्स, राइट। जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं स्पेस बिटवीन, ताकि जो फूटर टेक्स्ट और जो आइकन है उसके बीच में हमारा स्पेस रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका टेक्स्ट और है आपका आइकन, ओके। सो जो लाइन आइटम्स है उसको हम कर देंगे सेंटर में, राइट। फ्लैक्स रैप हम ऐड कर देते हैं, डेट इज रैप, ओके। देन आई विल गिव सम पैडिंग फ्रॉम टॉप, आई विल गिव 2, देन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आई विल गिव 7%, ओके। देन आई विल एड सम बैकग्राउंड कलर, ओके, लेट्स से डेट इज माई मेन कलर, ठीक है। तो ये आपका बैकग्राउंड कलर भी ऐड हो चुका है। देन यहाँ पे फूटर के अंदर फूटर टेक्स्ट जो आपका था, दैट इज योर फूटर टेक्स्ट के अंदर जो आपका पैराग्राफ था उसका फॉन्ट साइज हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना है। सो हेयर आई विल राइट 1.6, ओके। और इसका जो कलर है उसको हम चेंज कर देते हैं, दैट इज माई वाइट कलर, सो हेयर आई विल राइट वाइट, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है जो आपका फूटर टेक्स्ट है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका आइकन है दैट इज फूटर आइकन टॉप, सो उसके लिए यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं फूटर आइकन टॉप, ओके। और इसके अंदर जो आपने लिंक ऐड किया है, ठीक है, दिस वन, सो उसका हम उस डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स कर देते हैं, दैट इज इनलाइन फ्लेक्स, राइट। जस्टिफाई कंटेंट हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, लेट्स से सेंटर, और इसका जो अलाइन आइटम्स है उसको भी हम यहाँ पे सेंटर ऐड कर देंगे। देन आई विल गिव सम पैडिंग, लेट्स से 0.8 rem, ओके। सो इसका जो फॉन्ट साइज है वो भी हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो यू कैन सी हेयर अभी आपका विजिबल नहीं है, राइट। तो ये आपका पैडिंग हो गया। देन हमें इसके जो बैकग्राउंड है उसको भी चेंज करना है, सो आई विल एड सम बैकग्राउंड, लेट्स से डेट इज माई वाइट कलर, ओके। देन आई विल एड सम बॉर्डर रेडियस, ओके, लेट्स से 0.8, ओके। तो ये आपकी बॉर्डर रेडियस भी ऐड हो चुकी है। देन आई विल एड सम बॉर्डर, लेट्स से 0.2, एंड देन आई विल राइट सॉलिड, एंड हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमारा मेन कलर, ओके। सो यहाँ पे हम आउटलाइन भी ऐड कर देते हैं, सो आपकी जो आउटलाइन है वो भी हमारी सेम रहेगी, दैट इज 0.2 rem, सॉलिड ट्रांसपेरेंट, ओके। देन आई विल गिव सम ट्रांजिशन, लेट्स से 0.5 सेकेंड, ओके, दैट इज ईज, राइट। देन इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी राइट करते हैं, क्या, व्हेन वी क्लिक ऑन अवर आइकन, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं फूटर आइकन टॉप, और यहाँ पे जो आपका एंकर टैग है उस पर जब हम होवर करेंगे, सो उसका जो आउटलाइन कलर है वो मुझे चेंज करना है, ओके। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डेट इज माई वैग, सो इसका हमें कलर चेंज करना है, डेट इज वाइट कलर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो आउटलाइन कलर है वो चेंज हो जाए, राइट। तो इसके बाद हम आते हैं अपने आइकन पे, तो यहाँ पे जो आपका फूटर आइकन टॉप है इसके अंदर जो आपने आइकन यूज किया है उसका फॉन्ट साइज हमें इंक्रीज करना है, सो हियर आई विल राइट फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज को हम इंक्रीज कर देते हैं, लेट्स से 2.4, ओके। और इसका जो कलर है उसको भी हम चेंज कर देते हैं, दैट इज माई टेक्स्ट कलर, ठीक है। सो आपकी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल रेडी है, राइट। अभी हमें क्या करना है, इसका रिस्पॉन्सिवनेस करेक्ट करना है, बाकी जो आपकी वेबसाइट वो आपकी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, सो यू कैन सी। सो इसको हम रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज दिस इज योर पोर्टफोलियो,
ये आपके व्हाइट कलर में हो गया, दैट इज योर टेस्टिमोनियल सेक्शन। हमारा रिस्पॉन्सिवनेस रहता है, सो उसके लिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं ब्रेक पॉइंट्स एंड देन वी विल स्टार्ट अवर मीडिया क्वेरीज। ओके सो फर्स्ट आई विल राइट फॉर 1200 पिक्सल। ओके सो हियर आई विल राइट, देन सबसे पहले हम यहाँ पे HTML के लिए लिख लेते हैं। सो यहाँ पे हम फोन साइज हम गिवन कर देंगे, लेट्स से 55%। ओके देन यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं हमारे प्रोफेशन के लिए। सो हियर आई विल राइट प्रोफेशन कंटेनर, और प्रोफेशन कंटेनर के अंदर आपके फोर प्रोफेशन से, ठीक है, जिसमें आपका जो मेन डिव था डेट इज प्रोफेशन बॉक्स, उसके लिए यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, उसको हम राइट से कर देंगे डेट इज -10%। ठीक है देन हम आते हैं अपने जिगजैग शेप में जो हमारा इमेज था, सो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डॉट होम, और जो हमारा प्रोफेशन कंटेनर था प्रोफेशन कंटेनर के अंदर जो हमने एक डिव क्रिएट किया था ओवरले क्लास नेम का, ओके सो उसको हम राइट से कर देते हैं -6%। ओके देन वी विल कम ऑन अवर होम इमेज, सो हियर आई विल राइट होम इमेज। ओके उसको हम राइट से कर देते हैं 0। ठीक है देन हम आते हैं अपनी नेक्स्ट मीडिया क्वेरीज पे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 1100 पिक्सल के लिए। ओके सो हियर आई विल राइट फॉर 1100 पिक्सल। ठीक है देन हम यहाँ पे राइट कर लेंगे प्रोफेशन बॉक्स के लिए। सो जो हमारा होम था होम के अंदर जो हमारा प्रोफेशन कंटेनर है, ओके एंड उसके अंदर जो हमारा प्रोफेशन बॉक्स है दैट इज माय मेन ड्यू, ठीक है तो उसको हम राइट से कर देते हैं -15%। ओके सो नाउ वी विल कम ऑन अवर नेक्स्ट मीडिया क्वेरीज। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इमेज के लिए, सो हियर आई विल राइट होम इमेज, और होम इमेज के अंदर जो हमारी इमेज है उसकी जो मैक्सिमम विड्थ है उसको हम कर देते हैं 420 पिक्सल। राइट सो लेट्स चेक, तो यहाँ पे हम साइड बाय साइड इसको चेक भी कर लेते हैं। सो दिस इज योर या ओके, सबसे पहले आपकी जो वेबसाइट है आप यहाँ से देख सकती हो, जो आपका माई सर्विसेज है, जो आपका अबाउट मी सेक्शन है, और जो आपका टेस्टिमोनियल है, कॉन्टेक्ट मी और फूटर, ये पार्ट आपका नॉर्मली सेम है, बट हमें सिर्फ किसे चेंज करना है, नैव बार और होम सेक्शन को। ठीक है यहाँ पे सिर्फ हमें होम सेक्शन को चेंज करना है, बाकी जो आपका पार्ट है वो बिल्कुल सेम है। तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट मीडिया क्वेरीज के ऊपर। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, सो हेयर आई विल राइट माई नेक्स्ट मीडिया क्वेरीज। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उसकी जो मैक्स विड्थ है उसको हम कर लेते हैं लेट से 024 पिक्सल पे। ओके सो यहाँ पे हम उसके लिए राइट कर लेंगे, सो हेयर आई विल राइट हेडर। ओके तो हम हेडर के लिए लिख लेते हैं, तो सबसे पहले इसमें हम पैडिंग गिवन कर देंगे, फ्रॉम टॉप आई विल गिव 2 RM एंड फ्रॉम राइट आई विल गिव 3%। ओके सो यहाँ पे हमने हेडर के अंदर पैडिंग दे दिया, देन हम क्या करेंगे यहाँ पे हमने जितने भी सेक्शंस यूज किए हैं उसमें भी हम थोड़ा सा पैडिंग ऐड कर देते हैं। सो हियर आई विल राइट सेक्शंस, सो आई विल ऐड सम पैडिंग, लेट्स से 10 RM फ्रॉम टॉप एंड फ्रॉम लेफ्ट आई विल ऐड 3% एंड फ्रॉम राइट आई विल ऐड 2 RM। ओके देन हमें क्या करना है, जो आपका ये होम के अंदर जो आपका प्रोफेशन कंटेनर है और उसके अंदर जो आपका प्रोफेशन बॉक्स है उसके लिए यहाँ पे हम राइट कर लेते, क्या यहाँ इसके जो राइट से हम इसको कर देते हैं लेट्स से -20%। ओके देन हमें क्या करना है, जो आपकी होम के अंदर और आपके प्रोफेशन कंटेनर के अंदर जो आपका डिव था डेट इज ओवरले क्लास का, ओके दैट इज योर जिगजैग शेप, उसको हम राइट से कर देते हैं -12%। राइट देन हम आते हैं इमेज के ऊपर, सो होम के अंदर जो आपकी इमेज थी राइट तो उसकी जो मैक्स विड्थ है उसको हम कर देते हैं 400 पिक्सल। राइट देन हम आते हैं अपनी नेक्स्ट मीडिया क्वेरीज के ऊपर, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं उसके लिए। सो यहाँ पे हम 991 पिक्सल के ले लेते हैं, सो हेयर आई विल राइट इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है उसको मैं रख लेती हूँ 991 पिक्सल पे। ठीक है तो यहाँ पे मैं इसको रख लेती हूँ 991 पिक्सल। ठीक है देन हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं जो आपका नैव बार है,
ओके सो नेवबार के अंदर आपके वेरियस नेवलिंग्स हैं, ठीक है। और नेवलिंग्स में मतलब जिसमें आपने एंकर टैग थे, तो आपका जो फर्स्ट एंकर टैग है दैट इज योर होम। सो उसके लिए यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं उसका जो कलर है, ठीक है, उसको हम कर देते हैं दैट इज माय मेन कलर, राइट। तो देन हम आते हैं अपने सेकंड पे। सो अगर हमारा जो नेवबार है, नेवबार का जो एंकर टैग दैट इज योर नेवलिंग्स, वो हमारा एक्टिव होगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका जो बैकग्राउंड है, ठीक है, दैट इज योर बैकग्राउंड, तो उसको भी हम चेंज कर देंगे फॉर मेन कलर, राइट। एंड उसकी जो ओपेसिटी है उसको मैं कर देती हूँ 0.7। ओके सो यहाँ पे हम इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी राइट करेंगे। सो जो आपका होम कंटेंट है दैट इज होम के अंदर, सो दिस दैट इज योर होम कंटेंट, ओके दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, तो उसकी जो मैक्स विड्थ है दैट इज योर मैक्स विड्थ, ओके सो यहाँ पे हम उसको कर देते हैं लेट्स से 50 rem, ठीक है। देन हम आते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो जो आपका प्रोफेशन बॉक्स है, सो हियर आई विल राइट होम के अंदर जो आपका प्रोफेशन कंटेनर, एंड हियर आई विल राइट प्रोफेशन बॉक्स, ओके सो उसको हम कर देते हैं राइट से -35%, ठीक है। लेट्स रिफ्रेश दिस वंस, ओके सो अभी हमें इसे चेंज करना है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं जो हमारा जिगजैग शेप में जो हमारा शेप है दैट इज योर प्रोफेशन कंटेनर के अंदर जो आपका ओवरले है, ठीक है, तो उसको भी हम राइट से कर देते हैं लेट्स से -38%, ओके सो यू कैन सी द डिफरेंस हियर। आपकी जो जिगजैग शेप में जो आपकी इमेज है, राइट, उसके बाद आते हैं हम इमेज के ऊपर। सो होम के अंदर जो आपकी इमेज है उसका जो डिस्प्ले है उसको हम कर देते हैं नन, बिकॉज उसे हमें क्या करना है, हाइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो इमेज है वो आपकी हाइड हो चुकी है, राइट। सो ओके देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट मीडिया क्वेरीज पे ऊपर। सो उसके लिए यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, जो आपका मैक्स विड्थ है, ओके दैट इज 896 पिक्सल पे ले लेते हैं हम, 896 पिक्सल, ओके। देन उसके लिए यहाँ पे हम राइट करेंगे जो आपके नेवबार के अंदर जो आपका एंकर टैग है दैट इज योर होम, होम के बाद जो आपका सर्विसेज है, ओके सो हियर आई विल राइट योर सेकंड एन ए चाइल्ड, तो उसका जो कलर है उसको हम कर देते हैं मेन कलर के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका मेन कलर कर देंगे, ओके सो देन जो आपका होम है, होम के अंदर जो आपका प्रोफेशन कंटेनर है, ओके एंड उसके अंदर जो आपका प्रोफेशन बॉक्स है, ओके सो उसको हम राइट से कर देते हैं -50%, देन हम आते हैं इमेज के ऊपर जो डेट इज योर जिगजैग शेप में जो आपकी इमेज है। सो हियर आई विल राइट प्रोफेशन कंटेनर एंड देन आई विल राइट ओवरले, ओके सो उसको हम राइट से हम कितना मेंशन कर सकते हैं, लेट्स से आई थिंक आई विल गिव -43%, ओके। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 879 पिक्सल पे रख लेते हैं। सो हेयर आई विल राइट माई नेक्स्ट मीडिया क्वेरीज, तो यहाँ पे इसकी जो मैक्स विड्थ है दैट इज योर मैक्स विड्थ, उसको हम रख लेते हैं 879 पिक्सल पे, ओके तो यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, जो इसका फर्स्ट zoom this so you can see the difference here, let's refresh once, okay एक बार मैं इसको रिस्पॉन्स ना चेक कर लेते हैं, लेट्स सी।
ओके सो अभी हमारा ये जो 7, ये हमारा 835 पिक्सल तक बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ से आप देख सकते हो. ओके देन हम आते हैं अपनी नेक्स्ट मीडिया क्वेरीज के ऊपर. सो हेयर आई विल राइट, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इसकी मीडिया क्वेरीज. ओके तो यहाँ पे हम 879 पिक्सल के लिए ले लेते हैं. तो जो आपका पोर्टफोलियो सेक्शन है दैट इज योर दिस वन. ओके तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका जो कॉलम है मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं उसके लिए. ओके सो हेयर आई विल राइट कि जो आपका पोर्टफोलियो है. ओके और पोर्टफोलियो के अंदर जो आपका पोर्टफोलियो कंटेनर है उसका जो ग्रिड कॉलम है वो मुझे चेंज करना है. सो हेयर आई विल राइट ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स. ओके देन यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं रिपीट. राइट देन आते हैं हम नेक्स्ट मीडिया क्वेरीज के ऊपर. सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं किसने पे, 780 पिक्सल पे हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं. सो हेयर आई विल राइट मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ को यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 780 पिक्सल पे. ओके तो इसका जो मेन्यू आइकन है, ठीक है, तो हमें नैव बार को डिस्प्ले करवाना है, जो आपका मेन्यू आइकन है उसे डिस्प्ले करवाना है. ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मेन्यू आइकन है उसका डिस्प्ले को हम कर देंगे ब्लॉक, तो आपका जो मेन्यू आइकन है वो डिस्प्ले हो जाएगा. राइट देन उसके बाद आते हैं जो आपका डार्क मोड आइकन है, दैट इज योर डार्क मोड आइकन. ठीक है तो आपका डार्क मोड आइकन की जो पोजीशन है उसको मैं कर देती हूँ एब्सोल्यूट. राइट और राइट से मैं कर दूंगी उसको 7 RM. देन आई विल गिव सम फ़ॉन्ट साइज, लेट्स से 2.6 RM. ओके देन आई विल गिव सम कलर, लेट्स से दैट इज माय टेक्स्ट कलर. राइट देन इसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे फ्रॉम बॉटम. राइट सो हमें इसका नैव बार को चेंज करना है, तो आपका जो मेन्यू आइकन है वो आपका विजिबल है करंटली. ओके सो हमें जो नैव बार है उसकी पोजीशन को चेंज करना है, तो यहाँ पे हम उसकी पोजीशन को कर लेते हैं एब्सोल्यूट. राइट देन यहाँ पे हम टॉप से कर देंगे उसको 100%. ओके सो यू कैन सी द डिफरेंस हियर, टॉप से आपका 100% हो गया. देन हम इसको लेफ्ट से कर देंगे 0. ओके सो इसका जो विड्थ है उसको हम कंप्लीट रखते हैं, दैट इज 100%. देन आई विल गिव सम पैडिंग, लेट्स से 1 and 3% फ्रॉम टॉप, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके देन आई विल गिव सम बैकग्राउंड कलर, दैट इज माई बिजी कलर. ओके सो आई विल गिव सम बॉर्डर फ्रॉम टॉप. ओके लेट्स से 0.1 सॉलिड. राइट देन इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर एक थोड़ा सा बॉक्स शैडो भी मुझे ऐड करना है. सो हियर आई विल ऐड सम बॉक्स शैडो, लेट्स से 0.5. राइट और इसके डिस्प्ले को हम कर देते हैं नन. ओके सो ये आपका अब हाइड हो चुका है. सो व्हाट आई वांट कि जब हम इस आइकन पे क्लिक करें तभी हमारा जो नैव बार है वो विजिबल हो, और वो भी कॉलम में. ठीक है तो मुझे यहाँ पे ओके सो इसके बाद हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं अगर हमारा नैव बार एक्टिव होगा तो उसके जो डिस्प्ले है उसको हम कर देंगे ब्लॉक. ठीक है तो आपका जो नैव बार है वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा, लेट्स सी. ओके सो यू कैन सी द डिफरेंस हियर. राइट देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे. सो हेयर आई विल राइट कि जो आपका नैव बार है, नैव बार के अंदर जो आपके नैवलिंग्स हैं उसके डिस्प्ले को हम कर देंगे ब्लॉक. ओके देन उसका जो फ़ॉन्ट साइज है उसे हम इंक्रीज कर देते हैं, लेट्स से 2. राइट एंड देन आई विल ऐड सम मार्जिन हेयर, लेट्स से फ्रॉम टॉप आई विल ऐड 3. यू कैन सी द डिफरेंस हेयर. ओके एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आई विल ऐड 0. ओके सो इसमें मैं कलर भी ऐड कर देती हूँ, दैट इज माय टेक्स्ट कलर. राइट देन हम आते अपने नेक्स्ट पार्ट पे. सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं कि जो आपका नैव बार है, नैव बार के अंदर जो आपके नैवलिंग्स है दैट इज योर फर्स्ट नैवलिंग. ओके देन हेयर आई विल राइट नैव बार एंकर टैग
और जब आपका एंकर टैग नीडेड फॉर दिस, ओके। सो यहाँ पे हमने ले लिया है जो आपके नेबलिंग्स है उसका जो फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड है उसके कलर को मेंशन कर देते हैं, डेट इज माय टेक्स्ट कलर, ओके। देन आई विल कम ऑन नेक्स्ट पार्ट। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं कि जब आपका जब आपके नेबलिंग्स एक्टिव होंगे, राइट, सो हियर राइट एक्टिव, ओके, तो उसके हम कलर को चेंज कर देंगे, डेट वॉज माई मेन कलर, ओके, राइट। देन हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो चेंज हो गया, राइट, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। सो जो आपका नैव बार है, नैव बार के अंदर जो आपके नेवलिंग्स हैं उसकी बॉर्डर को मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पे बॉर्डर मुझे हिडन करनी है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डिस्प्ले नन, ओके, तो आपकी जो बॉर्डर है वो हाइड हो चुकी है, राइट। देन हम आते हैं हम अपने होम कंटेंट के ऊपर और यहाँ पे हम लिटिल बिट पैडिंग ऐड कर देते हैं, लेट्स से फ्रॉम टॉप आई विल ऐड 0 एंड फ्रॉम लेफ्ट आई विल ऐड 3% एंड फ्रॉम बॉटम आई विल ऐड 23, ओके। सो देन आई विल कम ऑन माय नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे हम इसका जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको हम कर देते हैं सेंटर में और इसका जो टेक्स्ट लाइन है उसको भी हम कर देंगे सेंटर में, राइट। देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ओके, और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं जो आपका होम कंटेंट है, दैट दिस इज योर होम कंटेंट, इसके अंदर जो आपका S3 टैग है दैट इज फॉर हेलो आई एम, तो यहाँ पे हम उसके लिए राइट कर लेते हैं। सो जो आपके होम कंटेंट के अंदर जो आपका S3 टैग है, ओके, सो उसका फॉन्ट साइज हम चेंज कर देते हैं, लेट्स से 2.6, राइट। देन हम आते हैं इसके H1 टैग पे, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं फॉर H1 टैग और इसका जो फॉन्ट साइज है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं, लेट्स से 5, ओके। देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, सो जो आपके सोशल आइकन्स है उसके लिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, सो होम कंटेंट के अंदर जो आपके सोशल आइकन्स हैं, ओके, आई विल एड सम मार्जिन इन दैट, लेट्स से 2.5, ओके, यू कैन सी द डिफरेंस हियर। देन हम आते हैं अपने प्रोफेशन कंटेनर पे, सो हियर आई विल राइट कि आपके होम के अंदर जो आपका प्रोफेशन कंटेनर है, ओके, सो इसमें हम उसको हम लेफ्ट से कर देते हैं 0 और इसकी जो विड्थ है उसको हम कर देते हैं 100%, ओके। देन उसकी जो हाइट है उसको भी हम कर देते हैं 100%, यहाँ पे हमने लेफ्ट से उसको 0 कर दिया। अब हम आते हैं अपने प्रोफेशन बॉक्स के अंदर जो डेट इज जो आपका मेन डिव था, ओके, आपके सभी प्रोफेशंस का, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं होम, सो होम के अंदर जो आपका प्रोफेशन कंटेनर है, ओके, एंड उसके अंदर जो आपका प्रोफेशन बॉक्स, ओके, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, सो उसकी पोजीशन को हम कर देंगे फिक्स, राइट, और टॉप से हम कर देते हैं 450 पिक्सल, राइट। देन लेफ्ट से हम कर देते हैं 0 और इसकी जो विड्थ है उसको हम कर देते हैं 100%, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर जो डिफरेंस है, राइट। देन हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, इसके प्रोफेशंस पे, सो उसके लिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि आपके होम के अंदर जो आपका प्रोफेशन बॉक्स है और उसके अंदर आपके जितने भी प्रोफेशंस हैं, ओके, तो उसके अंदर हम लिटिल बिट पैडिंग ऐड कर देते हैं, लेट्स से फ्रॉम टॉप आई विल ऐड 0 एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आई विल ऐड 13 पिक्सल, राइट। देन हम लेफ्ट से कर देते हैं इसको ऑटो, ओके, और इसका जो ट्रांसफॉर्म ओरिजन है उसको हम कर देते हैं 0, राइट। देन हम आते हैं जो आपके फर्स्ट प्रोफेशन है दैट इज योर, सो उसके लिए यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं दिस इज योर प्रोफेशन, सो उसका जो nth चाइल्ड है दैट इज फर्स्ट nth चाइल्ड, ओके, आई विल एड सम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, ओके, तो उसको हम रोटेट करवा देते हैं -90 degree से, राइट। देन आई विल ट्रांसलेट इट फ्रॉम इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, लेट्स से -120 पिक्सल फ्रॉम एक्स डायरेक्शन एंड -210 पिक्सल फ्रॉम वाई डायरेक्शन,
ओके देन हम आते हैं इसके आइकन्स पे, तो यहाँ पे हम इसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं दिस वन। सो इसके अंदर जो आपके आइकन्स हैं उसमें हम मार्जिन राइट ऐड कर देते हैं, लेट्स से 0। ओके देन हम आते हैं इसके सेकंड प्रोफेशन पे, सो यहाँ पे हम 1 की जगह हम यहाँ राइट कर लेते हैं 2, राइट। देन इसमें भी हम सेम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, सो हेयर आई विल राइट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी और इसको हम रोटेट करवा देंगे कितने डिग्री से, 0 डिग्री। ओके देन हम इसे ट्रांसलेट भी करवाएंगे फ्रॉम एक्स एंड वाई डायरेक्शन, 0 and -325 pixels। ओके देन हम आते हैं इसके थर्ड प्रोफेशन पे, सो यहाँ पे हम 1 की जगह राइट कर लेंगे 3। ओके एंड देन आई विल राइट सम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, सो इसको हम रोटेट करवा देंगे 90 डिग्री से, सो यू कैन सी द डिफरेंस। सबसे पहले -90 देन 0 देन 90 और उसके बाद हम कर देंगे 180। ओके सो यहाँ पे हम ट्रांसलेट करवा देंगे, देन हेयर आई विल राइट -115 pixels एंड हेयर आई विल राइट -450 pixels। ओके देन हम आते हैं इसके फोर्थ प्रोफेशन पे, सो हेयर आई विल राइट 4। ओके देन यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी और इसे हम रोटेट करवा देंगे कितने डिग्री से, 180 डिग्री। ओके देन आई विल ट्रांसलेट इट -220 pixels एंड -325 pixels। ओके सो दिस पार्ट इज कंप्लीट। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, तो ये जो आपका जिगजैग शेप में जो आपका ये है इसे भी मुझे बॉटम में लेके आना है। ओके सो यहाँ पे जो इसका सर्कल है दिस वन, ठीक है, जब आपकी ये प्रोफेशन तो आपकी रोटेट कर रहे हैं तो इसके सर्कल को भी मुझे फिक्स करना है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। सो जो आपके होम के अंदर जो आपका प्रोफेशन बॉक्स है, दिस इज योर प्रोफेशन बॉक्स, सो उसके अंदर जो आपका सर्कल है उसकी पोजिशन को भी मुझे यहाँ पे फिक्स करना है, सो हेयर आई राइट फिक्स। ओके और इसकी जो विड्थ है उसको हम रख लेते हैं लेट्स से 670 pixels, राइट। और देन इसकी जो हाइट है उसको हम भी हम सेम रखेंगे एंड उसका जो जेड इंडेक्स है उसको हम कर देंगे -1, राइट। देन हम आते हैं इसके जिगजैग शेप में, सो यहाँ हेयर आई विल राइट होम, होम के अंदर जो आपका प्रोफेशन कंटेनर है और इसके अंदर जो आपकी इमेज है ये जो हमने ओवरले डिव ओवरले क्लास नेम का जो हमने डिव क्रिएट किया था, सो हेयर आई विल राइट ओवरले। ओके देन इसकी पोजिशन को भी हम कर देंगे फिक्स, राइट, और टॉप से हम इसको रख लेते हैं 70। ओके तो यहाँ से आप देख सकते हो इसकी पोजिशन, सो भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, राइट। टॉप से हमने इसको 70 कर दिया और यहाँ पे इसको हम लेफ्ट से कर लेते हैं 50%, राइट, और राइट से मेंशन कर देती हूँ 0। ओके देन आई विल ट्रांसफॉर्म इट। ओके सो इसको हम रोटेट कर देती हूँ 90 डिग्री से, राइट। देन आई विल ट्रांसलेट इट -50% फ्रॉम एक्स डायरेक्शन, सो यू कैन सी द डिफरेंस हियर, राइट। देन +50% फ्रॉम वाई डायरेक्शन। ओके और यहाँ पे अभी मैं इसका जो स्केलिंग कर देती हूँ फ्रॉम वाई डायरेक्शन से लेट्स 3, राइट, और इसकी जो बॉर्डर विड्थ है उसको हम कर लेंगे 23.9। ओके सो यू कैन सी द डिफरेंस हियर, अभी आपका बिल्कुल करेक्ट है। माय सर्विसेज लेटेस्ट प्रोजेक्ट टेस्टिमोनियल सेक्शन एंड दैट इज योर फुटर सेक्शन, राइट। सो इसके बाद आते हैं हम अपने अबाउट सेक्शन में, तो मुझे इसका जो अबाउट सेक्शन है मुझे वो भी फिक्स करना है। ओके सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं अबाउट सेक्शन के लिए, सो हियर आई विल राइट अबाउट। ओके सो इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है उसे हम कर देंगे कॉलम रिवर्स, तो जो आपका कंटेंट है वो आपका ऊपर आ चुका है और ये जो इमेज है वो आपकी बॉटम में आ चुकी है, राइट। सो मुझे इसको सेंटर में लेके आना है टेक्स्ट को, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट अलाइन है उसे हम कर देंगे सेंटर में,
तो ये आपका सेंटर में आ चुका है. एंड देन जो आपका एच टू टैग है, दिस अबाउट मी सेक्शन, ये जो आपका अबाउट मी है हेडिंग, तो मुझे उसे भी सेंटर में लेके आना है. सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे कि जो आपका अबाउट कंटेंट है, अबाउट कंटेंट के अंदर जो आपका एच टू टैग है उसका टेक्स्ट लाइन, उसे भी हम कर देंगे सेंटर में. सो ये आपका सेंटर में आ गया, राइट. सो ये अभी आपका बिल्कुल करेक्ट है, राइट. देन हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे. तो सो जो इसकी इमेज है, मुझे यहाँ पे उसको भी चेंज करना है, उसे भी फिक्स करना है, ठीक है. सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं. सो जो अबाउट इमेज के अंदर जो आपकी इमेज है उसकी विड्थ को हम कर लेंगे, लेट्स से 70. ओके, सो ये इमेज आपकी अभी बिल्कुल करेक्ट है, राइट. देन आई विल ऐड सम मार्जिन फ्रॉम टॉप, लेट्स से -2, राइट. देन हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज योर, सो आपका सर्विसेज सेक्शन बिल्कुल करेक्ट है इसके टेस्टिमोनियल सेक्शन पे. ओके, सो इसके टेस्टिमोनियल सेक्शन के लिए अभी हम यहाँ पे पैडिंग ऐड कर देते हैं लिटिल बिट. सो हेयर आई विल राइट कि जो आपका टेस्टिमोनियल कंटेनर है और उसके अंदर जो आपका टेस्टिमोनियल रैपर, ओके. देन आई विल ऐड सम पैडिंग हेयर, लेट्स से 50. ओके, सो लेट्स सी. तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस एरो सेक्शन. ओके, सो देन आई विल कम ऑन माय नेक्स्ट पार्ट. सो जो आपके स्लाइड्स हैं, मुझे उसे भी थोड़ा पैडिंग ऐड करना है उसमें भी. सो हियर आई विल राइट टेस्टिमोनियल कंटेंट. ओके, इसके अंदर जो आपका टेस्टिमोनियल स्लाइड है, आई विल ऐड सम पैडिंग इन दिस. ओके, सो अब हम आते इसके बटन्स पे, राइट. सो दिस वन, ओके. सो हियर आई विल राइट दैट इज स्वाइपर नेक्स्ट एंड देन स्वाइपर प्रीवियस. ओके, उसके जो डिस्प्ले है उसका ऑफ कर देते हैं ना. ओके, तो आपका जो एरो है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, राइट. सो अभी आपका बिल्कुल करेक्ट है. Let's reduce its size. So, मुझे ये जो आपका पोर्टफोलियो सेक्शन है, मुझे इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना है. सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं मीडिया मैक्स विड्थ, इसको मैं रख लेती हूँ लेट्स से 580 पिक्सल पे. ओके, देन इसके अंदर जो आपका पोर्टफोलियो है, दैट इज योर पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो के अंदर जो आपका पोर्टफोलियो कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसमें ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स ऐड कर देती हूँ लेट्स से 1, ठीक है. सो यू कैन सी द डिफरेंस, लेट्स से रिड्यूस इट्स, ठीक है. अभी आपका ये बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज योर टेस्टिमोनियल सेक्शन. राइट, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेते हैं. ओके, सो यहाँ पे हम यहाँ पे एक थोड़ा सा और राइट कर लेते हैं 450 पिक्सल के लिए. सो हियर आई विल राइट मैक्स विड्थ, तो इसके जो मैक्स विड्थ है उसको हम रख लेंगे 450 पिक्सल. ओके, सो यहाँ पे मुझे इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज करेक्ट करना है, राइट. तो यहाँ पे हम कर लेंगे HTML, एंड HTML का जो फ़ॉन्ट साइज है उसे हम कर देंगे 50%. ओके, और जो आपका डार्क मोड आइकन है, लेट्स सी दिस वन. So here I will write that is your dark mode icon. So इसको हम right side से कर देंगे 6. Okay, then हम आते हैं अपने next part पे. So अभी आपका बिल्कुल correct है. Okay, let's refresh this once.
ओके सो इस पे हम अबाउट पे क्लिक करके देखते हैं, दैट इज योर अबाउट मी सेक्शन सर्विसेज एंड दैट इज योर पोर्टफोलियो। ओके सो अभी मुझे यहाँ पे अंडरलाइन चाहिए जो आपके ये सेक्शंस हैं। सो लेट्स सी यहाँ पे आपकी अंडरलाइन क्यों ऐड नहीं हुई। तो इस पार्ट में हमने ये जो हमने फंक्शन क्रिएट किया था विंडो की, जब हम अपने विंडो को स्क्रॉल करेंगे सो आपका जो वेरियस सेक्शंस हैं मुझे इसे एक्टिव करना है कब, जब आपका पर्टिकुलर सेक्शन का टॉप हमारा ग्रेटर होगा ऑफसेट से। सो यहाँ पे जो आपका एल आपको कैपिटल करना है राइट। सो जो क्लास लिस्ट है मुझे ऐड करना है इसके अंदर एंड हियर आई विल राइट स्टार या लेट्स सी इट इज योर पोर्टफोलियो, दिस इज योर सर्विसेज, दिस इज योर अबाउट सेक्शन, दैट इज योर कॉन्टैक्ट। ओके लेट्स चेक इट्स रिस्पॉन्सिवनेस। ओके सो आपकी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल रेडी है, डेट इज योर पोर्टफोलियो वेबसाइट। सो इस तरह हम इसको डिजाइन करेंगे यूजिंग सिंपल HTML, CSS एंड JavaScript। अगर आपको इसका कोड चाहिए देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, आई विल प्रोवाइड यू। और अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है JavaScript में या HTML या CSS में देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। ओके एंड अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट अपडेट फॉर ऑल वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच।